This conference will now be recorded. And here we start. Yes. Class 11 baje hoti hai, but we will start at 10:58. 10:58 is just a discipline, hai na? 11 means 11, not after that. आपको पता है बेटा ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, कैन एनीवन आंसर, व्हाट वाज अ लॉजिक? मैंने यही बैकग्राउंड सेट किया स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के बारे में. राइट अनन्या, दिस इज अ स्पेक्ट्रम. ये देखो आपकी स्क्रीन क्या है, इट इज द ब्राइट. ब्राइट मतलब जरूरी नहीं है कि व्हाइट ही होना चाहिए. देखो उसके ऊपर कोई रंग है, बैकग्राउंड देखो, बीच बीच में कहीं कहीं पे ये लाइन आ रही है. ये हर लाइन इंडिकेट करती है एक वेवलेंथ को. राइट, जैसे हम ग्राफ नहीं बनाते हैं तो नीचे की तरफ उसने लिखा हुआ है द वेवलेंथ. तो हर एक लाइन इंडिकेट कर रही है कि कोई एक रोशनी है, कोई एक वेवलेंथ है. सो दिस इज टाइप ऑफ एटम. हम देखो ना, अभी तक जिसने भी सबसे बड़ा भी माइक्रोस्कोप बनाया होगा, जो छोटी से छोटी चीज को देख सकता है, अभी तक हम एटम को देख नहीं पाए हैं. और आप जैसे आगे बढ़ेंगे, यू विल लर्न, हम एटम को कभी देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुदरत ही ने कुछ हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है. ये आपको अपने आप क्लियर होता चला जाएगा. बट हाँ, कुदरत ने दूसरा रास्ता भी दिया है, वी कैन एनालाइज. जैसे इस वक्त सपोज मैं अपना, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? नो, आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, है ना? बट मेरी आवाज आ रही है, कुछ और सिग्नल्स आ रहे हैं जिससे आप मुझे गेस कर सकते हो. तो इसी प्रकार से हम एटम को देख तो नहीं पाते, बट एटम अपने सिग्नेचर देता है, एटम अपने प्रूफ देता है कि मैं हूं. उसने तो पूरा ब्रह्मांड रचा है. सो वेलकम इनटू एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. लेट योर इमेजिनेशन गो लूज. राइट कदम, वो देख एक एटम अपने सामने वाली दीवार और उसके बीच में एक एटम घूम रहा है. कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, उसके अंदर प्रोटॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन से ही ये सारी दुनिया रची जाएगी. आपने उसके ऊपर एनर्जी दी है, एनर्जी दी हुई है और इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करके ऊपर चला गया है. आपने उसके ऊपर सारे रंग फेंके थे, लेट इट बी आपने उसके ऊपर मुर्गा भी फेंका था, बकरा भी फेंका था, आपने उसके ऊपर गाजर मूली सब फेंकी थी, लेट इट बी रिप्रेजेंटेशन. उसको लेट इट बी, उसको चिकन बहुत पसंद था, उस एटम को, उसने चिकन खा लिया है और चिकन खाने से वो कहां गया है? वो ऊपर गया है. अब जो चीज आपने फेंकी थी, अब आप उसकी काउंटिंग दोबारा कीजिए. क्या मिस होगा बेटा पार्टी? द चिकन विल बी मिसिंग एंड दिस चिकन हैज बीन अब्सॉर्ब्ड. दैट विल बी नोन एज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब दूसरा सीन इमेजिन कीजिए. हमने एटम के ऊपर वही कदम, वही एटम दिख रहा है आपको, बाउंस कर रहा है ना हवा में, जैसे डस्ट पार्टिकल देखते हो. हमने उसके ऊपर एनर्जी मारी है, दैट एनर्जी इज हमें नजर नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक थर्मल एनर्जी है. तो एटम ने कोई एक एनर्जी ली है, हमें उसने नहीं देखा है. एटम फिर कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया है. और जब वो नीचे आ रहा है, दिस इज एमिटिंग समथिंग. नाउ वी आर एनालाइजिंग दैट एमिटेड एनर्जी, और वो कौन सा होगा? दैट विल बी द इमिशन स्पेक्ट्रम. हर एटम अपने सिग्नेचर देता है. हम इंसान ने उसको समझने की कोशिश की है. जैसे आप लोग मार्केट में गए होंगे तो आपने कहीं शॉप्स के ऊपर वो ग्लास ट्यूब्स में देखा होगा, अलग अलग रंग आ रहे हैं. डिड यू एवर ऑब्जर्व? देखा वो ग्लो साइंस लगी होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर अलग अलग रंग होते हैं. जैसे इमेजिन करिए, आपने कभी लास वेगास देखा हो, मे बी आपने कहीं पे और भी बहुत जगह पे देखा होगा, तो उस जो ग्लास की ट्यूब्स हैं उसके अंदर वो डिफरेंट गैसेस भर देते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन भर देते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट कलर. जैसे सोडियम का, डू यू रिमेम्बर, येलो कलर निकलता है. वो हर किसी का अपना एक सिग्नेचर है. और जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वेवलेंथ आपको नजर आएंगी, बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो आपको नजर नहीं आएंगी. आपको तो सिर्फ कौन सा रंग नजर आता है? ये वाला छोटा सा स्पेक्ट्रम नजर आता है, दैट इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम. इससे आगे भी हो सकता है और इससे पीछे भी हो सकता है, जो हमारी आंखों को नजर तो नहीं आएंगी, बट डेफिनेटली वो है. समझ पा रहे हैं? वो है. तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी पड़ती है, द स्पेक्ट्रोस्कोप. जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप होता है, ऐसे हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोप होता है. Let's review because we will be using all things.
wave characteristics. Don't memorize. You already know that. Never ever I'm going to ask you the wavelength key definition. But yes, you should know that. The distance between two successive crest or trough is going to be known as the wavelength. Aap dekhenge, wavelength can be written in angstrom, nanometer, micrometer, centimeter, and maybe many things it will be written. The frequency of the wave is a number of waves which passes through a given point in 1 second, or it is a number of wavelengths travel in 1 second. It is noted by nu and is expressed in CPS or hertz. Iska cycles per second ya simply aapko mil jayega second inverse. The frequency is inversely proportional to its wavelength. Do you remember C is equal to frequency time lambda? Don't memorize anything. Leave everything on me, right? We will learn it with practice. So now, aap logon ne kachua aur ek khargosh ki kahani suni hogi. Everybody has heard it. So be like a tortoise. Tortoise is always moving. Hai na? Dheere 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 karke chalte raho. Aapko bojh bhi nahi lagega. And you will be the best. But chalte chalo, repeat karo, max the number of time. We will be hitting Bohr's theory either in today or maybe in the next session. Uske liye sirf ek hi guru mantra dunga. सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो. नॉवल के जैसे पढ़ो, नॉवल के जैसे पढ़ो. देखना यू विल बिकम मास्टर ऑफ द बोहर थ्योरी. जो कि आपके सीनियर जो इस वक्त जेई लिखने वाले हैं या नीट लिखने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं होती. सो लाइक टाइम पीरियड इज कमिंग. द फुलिश वन विल बी मेमोराइजिंग इट. टाइम पीरियड इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल और इट इज इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी. इट इज इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी. द इंटेलिजेंट वन वो विल बी रिपीटिंग. He or she know कि उसकी नोटबुक में कहां पे पड़ा है. द मोमेंट टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आएगा आप इमीडिएटली पेज पलटिए. आप देखिए टाइम पीरियड क्या है और आप कहेंगे ओ. द मोमेंट यू डू द फर्स्ट क्वेश्चन शायद आपको टाइम पीरियड याद ना हो. द मोमेंट यू डू सेकेंड पीरियड शायद थोड़ा थोड़ा याद हो. बट बिलीव मी द मोमेंट यू डू द थर्ड और द फिफ्थ और द टेंथ क्वेश्चन यू कैन टीच द वर्ड व्हाट इज द टाइम पीरियड. यू अंडरस्टैंड माई फिलोसफी अनुवंश? समझ पा रहा है? तो अनुवंश वेलोसिटी सी वेड लाइट की वेलोसिटी को सी बोलते हैं. सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 second. आई एम सॉरी एंड इट इज नोन एज इट्स वेलोसिटी. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 second. इट इज डोटेड बाय सी एंड इट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम लैम्डा. एंड रिमेंबर ऑल जीएक्स वीएमआर विल बी ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड दैट इज 3 lakh kilometers per second or 3 × 10⁻⁷ meters per second. Time period is reciprocal of frequency. Wave number is reciprocal of wave length. Iske upar nu likh ke uske upar bar laga dete hain. Then we get this. Don't memorize. So remember we started with spectrum and electromagnetic waves. GX VMR आपको सिखाया गया था. इससे आगे कॉस्मिक रेज भी हैं, बट दोज आर बेसिकली नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दीज आर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल. तो अक्सर आप देखेंगे आपके स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक रेज नहीं आएंगी. तो आपका जो स्पेक्ट्रम शुरू होगा आप गामा से ही शुरू करते हैं. आप जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, तो एनर्जी क्या करती है? बढ़ती है. और जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ करते हैं तो एनर्जी क्या करती है? घटती है. मैं आप सब इस लेगत द रेडियो वेव्स में बैठे हैं, क्या हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है? नो. माइक्रोवेव्स हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है. आईआर भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है. क्यों? क्योंकि हम विजिबल रोशनी में बैठे हैं. अगर विजिबल रोशनी नुकसान पहुंचाती है तो उससे इधर वाली नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसके इधर वाली नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी ही ज्यादा नहीं है. ये एफएम सुनते हैं, जैसे चंडीगढ़ के अंदर एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिससे हम बातचीत करते हैं आपस में. ये जो लॉन्ग रेडियो वेव्स है उससे ब्रह्मांड द हेवनली बॉडीज एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से बातें करती है. अर्थ सूर्य से बातें करती है. सूर्य किसी और ब्लैक होल से बात करता है, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी इनकी वेवलेंथ होती है. दैट इज रनिंग इनटू मिलियंस ऑफ किलोमीटर, मिलियंस ऑफ किलोमीटर. थोड़े समय के बाद आपको समझाएंगे कि भगवान ने एक रूल बनाया है, छोटी चीज को देखने के लिए छोटी वेवलेंथ, बड़ी चीज को देखने के लिए बड़ी वेवलेंथ. तो अनुवंश अनम्यूट करो. अनुवंश मॉलिक्यूल एटम छोटा है ना बेटे,
तो उनको देखने आपको एक्स रेस की जरूरत पड़ती है, यूवी की जरूरत पड़ती है। आपको बताएंगे गामा रेस को क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत है, ये एटम की धज्जियां उड़ा देती है। इस तरफ छोटी वेवलेंथ है ना बेटा, तो छोटी चीजों को देखने हम इनको यूज करेंगे और बड़ी चीजों को देखने के लिए हम इनको यूज करेंगे। जैसे आपका जो टेलीस्कोप होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, हम कौन सा यूज करते हैं, विजिबल रीजन, चंद्रमा से वो टकरा के वापस आया और हमें वो पता लग गया है, राइट? तो बड़ी चीज को देखने के लिए हमें बड़ा वो देखना पड़ता है। हु इज द स्कॉलर 001, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इधर यू विल बी डिसमिस्ड इमीडिएटली। नो वन इज परमिटेड इन माई क्लास विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, यू आर डिसमिस्ड, राइट? तो नो वन इज परमिटेड इन माई, हाँ बोलो गायकी। सर एक डाउट है। क्या डाउट है सर? अभी जैसे आपने बताया कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जैसे कलर्स हैं इसमें, तो हम लोग जैसे इंसान लाइक हम लोग नहीं देख सकते हैं। इंसान विजिबल स्पेक्ट्रम देख सकता है, मतलब कलर्स वगैरह ऐसे, मतलब क्यों नहीं देख सकते? हमें इस वक्त मिक्सिंग है, अगर आप इसको प्रिज्म में से पास करेंगे तो आपको ये रंग नजर नहीं आ रहा। मैंने ग्रीन देखा है, आपको क्या ऑरेंज वॉयलेट ये नजर नहीं आ रहे? विजिबल का मतलब विजिबल, हाँ बोलो कि हम लोग अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें तभी नजर आते हैं, मतलब ऐसे तो मतलब आप इस वक्त जो रोशनी में बैठे हैं उसमें सातों रंग इतने ज्यादा मिक्सअप हो गए हैं कि उनकी बाउंड्री नहीं है। सो दैट इज द रीजन आप इसको देख नहीं पा रहे हैं बेटे। जैसे आप शायद मेरे से ज्यादा कलर्स के बारे में जानते होंगे, आप लोगों को सिखाया गया होगा कि अगर आप दो रंगों को मिलाओ तो तीसरा रंग नहीं मिलता है। तो ऐसे ही बेटे अगर आप सातों रंगों को मिलाओ तो आपको कौन सा रंग मिलता है? व्हाइट कलर मिलता है। ओके डॉली, यस सर, हां जी। विजिबल इज गोइंग टू बी व्हाइट इन कलर। व्हाइट का मतलब जैसे आप अपनी सामने दीवार की ओर देखिए, ये जो रोशनी है दैट इज व्हाइट इन कलर। द व्हाइट मतलब इसमें सातों रंग है। अगर मैं चाहूं तो मैं इनकी जो दोस्ती है ना उसको तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ सकता हूं? इसको प्रिज्म में से पास करवा के डाली तो आपको सातों रंग नजर आएंगे। आप याद करिए रेनबो, यस सर, लाइट थोड़ा होती है तो वो व्हाइट लाइट उसको स्कैटर, स्कैटर मतलब उसको तोड़ देती है। जैसे घर में आप कोई चीज लेके आए हो वो इकट्ठी है, बाद में माँ ने उनको सेट कर दिया है, वो चीज ड्राइंग रूम में है, वो चीज आपके बेडरूम में है, वो चीज आपके अगले वाले कोर्टयार्ड में है, वो चीज आपके पिछले रियर कोर्टयार्ड में है, राइट डॉली? गाय की तुम्हारे से सुनना चाहूंगा, व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है? सातों रंग का मिक्सचर। अगर हम इनको तोड़ देना तो तुम्हें सारे के सारे रंग गुड़िया नजर आने शुरू हो जाएंगे। ओके बेटिया, गुड सर, आगे चलते हैं। गाय की कॉस्मिक रेज, एक बार रीडिंग मारना बेटा, कोई याद नहीं करनी है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, वही CGX VMR। याद रहे हमारी आंखें किसको देखती हैं? सिर्फ विजिबल रेडिएशन को। अवर आई इज सेंसिटिव ओनली टू दिस, दैट इज 7600 से लेके 38.8 एंगस्ट्रॉम, तकरीबन 4000 से लेके 750 नैनोमीटर तक। यूज इट, रीड इट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज द एजेंडा। दोबारा स्ट्रेस कर रहे हैं GX VMR, V के आगे अल्ट्रावायलेट और इसके बाद आई आर आ रहा है। जस्ट स्ट्रेसिंग इट सो दैट आपसे इसकी दोस्ती हो। गामा रेस, यस कदम, एनर्जी सबसे ज्यादा, भाग लो जहां पे भी गामा रेस बने। भगवान ने हमारे ऊपर एक 60 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर दिया है, तो उसने शायद क्या उसने सोचा था कि मैं इस ग्रह के ऊपर जिसको आप अर्थ बोलते हो मैंने इसके ऊपर लाइफ रखनी है। So he or she gifted us with atmosphere. This protect us from the gamma rays. The X rays थोड़ी बहुत हमारे पास पहुंचती हैं, but ज़्यादा हमारे पास नहीं पहुंचती हैं। हमारे पास तो ये पहुंच जाता है, ये वाला सारे का सारा हमारे पास आती है, और ये जो visible होती हैं, ये तकरीबन 400 से लेके 750। मैंने बोला तकरीबन गाय की, right? 380 वाला भी हो सकता है और 756 भी हो सकता है, approximate, this is just an range। और इससे पहले याद मत करना UVA, UVB, UVC, these ultraviolet ABC,
ए कम खतरनाक है, बी और खतरनाक है, सी और ज्यादा खतरनाक है। हमारे ऊपर भगवान ने एक ओजोन नाम की चीज दे मारी है जो कि इसका मेजर पोर्शन खा जाता है, खत्म कर जाता है, हमारे ऊपर नहीं जा सकता है। आप में से कुछ लोग फिजिसिस्ट बनने का सपना रखते हैं जो ब्रह्मांड में जाने की तैयारी करेंगे। तो उत्कर्ष उस वक्त जब हम आपको स्पेसशिप में बिठाएंगे तो वी विल बी थिंकिंग ऑफ द वेज दैट हाउ कैन वी कट ऑफ दीज हार्मफुल रेज। दिस इज साइंटिस्ट का एक मेजर एजेंडा है कि हम इस रोशनी को लाइफ को टच करने से कैसे रोकें। अगर लाइफ इसको टच करती है गामा रेस को, एक्सरेस को, तो हमारा डीएनए खराब हो जाता है। डीएनए खराब होने से हमारे सेल रिपेयर करने छोड़ जाते हैं और सेल रिपेयर करने से द डैमेज इज स्टार्ट। डू यू पीपल नो जब हम मार्स पे जाएंगे अराउंड 2035 पे, इट इज प्लान्ड के हम मतलब इंसान मार्स पे जाएगा। दैट टाइम बेटे हम लोगों को ये मेजर चीज सोचनी होगी, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट तकरीबन 8 महीने का सफर करके वहां पहुंचेगा और 8 महीने का सफर करके वापस आएगा और मार्स के ऊपर रहेगा, मार्स के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका एटमॉस्फेयर लीक कर गया है, तो उसको इतना ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन से एक्सपोजर होगा कि अगर वो धरती पे आए और हम उसको ऐसे हिलाएं वो झड़ जाएगा, उसकी बोन्स इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी होंगी। सो दैट इज अ रीजन कि हम इंसान को अभी वहां नहीं भेज पा रहे हैं। हम पहले रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम उस हार्मफुल रेडिएशन को तोड़ेंगे। सो नासा यूज टू वर्क फॉर दैट, बट ड्यू टू सम रीजन पॉलिटिकल थिंग कि उन्होंने अब इसके ऊपर काम छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे करके ये सारा काम यूरोप में हो रहा है। सो मेनी ऑफ यू विल बी ज्वाइनिंग, जैसे पिछली बार मैंने बोला था ना, मैक्स प्लैंक्स इंस्टीट्यूट, द ETS ज्यूरिख, सो दीज आर गोइंग टू द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स जहां पे आपको ये सब चीज मिलेगी। एनीवे से सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बात कर सकता है बेटा। सी यू रिमेम्बर इमिशन स्पेक्ट्रम एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन व्हेन द गिवन सैंपल इज सप्लाइड थर्मल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नजर नहीं आती है, द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड गोज टू द हायर स्टेट। जब वो वापस आ रहा है वो एनर्जी हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप बताता है। इट अपियर्स एज ब्राइट लाइंस ऑन अदरवाइज डार्क बैकग्राउंड। राइट, पेज नंबर 15 वापस आता हूं, दैट वॉज द फिगर, ब्राइट लाइंस ऑन द डार्क बैकग्राउंड, कुछ ऐसा नजर आएगी। ये हर इंडिकेट कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है हम उस एनर्जी को देख सकते हैं ना, हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं ना हम इलेक्ट्रॉन के घर को देख सकते हैं। कोई ना कोई चोर तो है जो ये रोशनी पैदा कर रहा है और वो सब ड्रामा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड विद द गिवन सैंपल इज सप्लाइड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट। गाय की दीदी आप इसको देख सकते हैं, ठीक गुड़िया। व्हाइट लाइट का क्या मतलब है गाय की? इट कंटेन ऑल मेहमान, जैसे हमारे घर में मेहमान आए सारे के सारे अच्छे से कपड़े पहन के चल पड़े, राइट, वहां पे जाके कोई ऐसी चीज थी जिसमें से किसी मेहमान को पुलिस वालों ने बैठा लिया, तू रह जा, बाकी सारों को वापस के दिया। तो वो एक बंदा जब घर वापसी होगी वो क्या होगा, मिस होगा, दैट इज द अब्सॉर्प्शन। डू यू अंडरस्टैंड बेटे? द लाइट कमिंग आउट ऑफ द सैंपल इज एनालाइज फॉर मिसिंग फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। समझ आ रहा है, मिसिंग के लिए इसमें एमिटेड को देखा जाता है। इट अपीयर्स एज उल्टा, अनन्या, डार्क लाइंस ऑन अदरवाइज ब्राइट बैकग्राउंड। ओए मेरा क्यूरियस माइंड, अनन्या बात कर मेरे से, यस सर, राइट, मेरा दिल नहीं करता जब तक तुम लोग मेरे से बात नहीं करते हो ना, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हो, दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग। तो गुड़िया पूछा कर, जैसे गायकी ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था अभी, है ना। सो एक बात बता, कॉमन सेंस है गुड़िया, तुम्हारे पास ड्राइंग रूम में कोई चीज पैदा हो गई है, कोई चीज पड़ोसी आके रख गया है, राइट बेटे, एक केस। और दूसरी, तुम्हारे ड्राइंग रूम में 100 चीजें थी, कोई एक चीज गायब हो गई है। तुम्हें गायब हुई चीज को ढूंढना आसान है या तुम्हारे घर में पड़ोसी कोई बड़ी चीज रख गया है उसको देखना आसान है? वो चीज को देखना जो पड़ोसी रख गया है। यस, तो गुड़िया इमिशन में तो कोई चीज पैदा होती है, so do you understand it is more commonly studied, right? Yes, sir. Example, lightning, sparking, पटाके, mercury vapor, sodium lamp, आपके घर में जो water filter है बेटे
वाटर फिल्टर के अंदर हाइड्रोजन डाली जाती है एक बल्ब के अंदर, आज समझाया जाएगा, उसमें से यूवी रोशनी पैदा होती है, यूवी लाइट, और वो बैक्टीरिया को, फंगस की सेल वॉल को तोड़ देती है और हमारे पास उसको आने से रोकती है। वो मर जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा नुकसान कम करेंगे। यू नो, ये जो कोरोना वायरस है जिसको आप सुन रहे हैं, अगर हम उसको अल्ट्रावायलेट के आगे रखते हैं वो उसका बैंड बजा देगा, बट वो भी चोर है ना, कोरोना वायरस सरफेस के ऊपर थोड़ा रहता है, वो हमारी स्किन के ऊपर, हमारी लंग्स में कहीं और जाके रहता है। तो वहां तुम अगर ट्रंप हो तो तुम कर सकते हो, बट क्या तुम इंसान के मुंह के अंदर अल्ट्रावायलेट लंग लगा सकते हो? नो सर, क्योंकि वो कैंसर करेगा। So we can't tackle it. Anyway, तो आपने मुझे बताया absorption is going to be very less commonly studied. The otherwise it is going to be more commonly studied as emission spectrum. एक समझने की कोशिश कर, इसकी फोटो को मन में रख। देख ऊपर emission है, तो emission में बहना जरा ध्यान से देख, एक मिनट गुड़िया, एक सेकेंड, ये देखो the background is काला है ना, so it is the yes. colored line on the ब्राइट बैकग्राउंड। अभी इंट्रोड्यूस होगा लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगा थोड़े समय। इमिशन स्पेक्ट्रम में आपसे सुनना चाहता हूं, इमिशन स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक ब्राइट लाइंस ऑन ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड। अब इसको देख बहन, ये जैसे गायकी ने पूछा था, देख पीछे सारे के सारे रंग है, तो कुछ ये वाले जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है ये एटम ने खा लिए। एटम ने क्यों खाए? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को कूदना था। कहां कूदना था? ऊपर से नीचे जाना था। इस दुनिया में कोई चीज डेड नहीं है, हर चीज मूव कर रही है। लाइक यू पीपल, यू आर एक्सेप्टिंग आइडिया, यू आर लिविंग। जब आपका दिमाग ही बंद हो जाएगा तो वी विल बी इंटेलेक्चुअली डेड। दैट शुड नॉट हैपन विद यू, यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग, है ना। सो डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो एटमिक लेवल पे ये जो मिसिंग लाइन है ये एटम ले गया है। ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलता है डियर? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पढ़ के बता, देखने से कैसा लगेगा? ब्लैक लाइंस ऑन स्पेक्ट्रम बैकग्राउंड। ऑन स्पेक्ट्रम बैकग्राउंड और द यू कैन से ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट बैकग्राउंड। तो कपूर अपने आप को अनम्यूट कर गुड़िया। कपूर अनम्यूट कर बेटे। यस सर। दोबारा बता गुड़िया, देखने से बता, हाउ डज एमिशन स्पेक्ट्रम लुक लाइक? Emission spectrum is when colored lines are on black background. Now tell me about absorption spectra, contrast, differences batao. It is going to be the absorption spectrum is when black lines are on the spectrum background or light black background. And third point bete, now tell me which is easy to study, the emission or absorption? Emission. It is more commonly studied. Now, see, different element के different signatures होते हैं, right? जैसे मेरी पहचान है, आपकी पहचान है, आपके पापा की पहचान है, मोदी की पहचान है, या ट्रंप की पहचान है, हमारी अपनी पहचान है ना, fingerprints. तो हमें fingerprints से पकड़ा जा सकता है। तो इसी प्रकार से atom है या नहीं है, कितने हैं, वो हम कहाँ से पकड़ते हैं गुड़िया? उसके spectrum से। Every spectrum is different. Hydrogen का कुछ ऐसा आ रहा है, बिल्कुल याद नहीं करना है। Helium का कुछ ऐसा आ रहा है, neon का कुछ ऐसा आ रहा है, sodium का ऐसा और ऐसा। क्या मैं इसको एक line बोल सकता हूँ इशिता? क्या मैं इसको एक line बोल सकता हूँ? Yes sir. Yes. Each line represent what? A wavelength or a frequency corresponding to energy absorbed or energy released. अब अपनी विजुअलाइजेशन में जा, आपके पास इस वक्त 5 एटम्स हैं, राइट? इमेजिन कर मैं हीलियम को भी इसमें रख देता हूं, नियॉन को भी इसमें रख देता हूं, सोडियम को भी इसमें रख देता हूं, मर्करी को भी इसमें रख देता हूं। अगर इसमें से 5 लाइंस हैं, अब इसमें हमारे पास 50 लाइंस आ जाएंगी, तो आप उनको बोलोगे बैंड। व्हाट इज बैंड? बैंड रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रा ऑफ मेनी एलिमेंट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अलग अलग लोगे तो इट विल बी डिफरेंट, बट अगर आप ग्लूकोज का स्पेक्ट्रम लोगे सो इट इज गोइंग टू बी मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
एंड कंप्यूटर ऐसी चीज है जो सब लाइनों को अलग करके हमें दिखा सकता है और बता सकता है कि देखो जी इसमें ये एलिमेंट है। तो जब हम मार्स पे जाते हैं, जब हम किसी भी प्लैनेट पे जाते हैं, किसी मून पे जाते हैं, किसी एस्टेरॉयड पे जाते हैं, हम कोई अपना रोबोट भेजते हैं, रोबोट उसकी मिट्टी को निकालता है और उसके ऊपर लाइट फेंकता है, राइट? उससे उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और जब वो नीचे आते हैं वो एनालाइज करके धरती पे सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पे ये था। दिस कैन बी इंटरेस्टिंग, फ्यू ऑफ यू आर गोइंग इन द मेडिकल फील्ड। सो कल को किसी बंदे को मर्डर हो गया, सो डॉक्टर्स या फॉरेंसिक वाले क्या करेंगे, उससे विसरा उसके स्टमक में से ब्लड में से सैंपल उठाएंगे और उसके ऊपर रोशनी फेंकेंगे और बजाय कि उसको केमिकली एनालाइज करें उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिकली बता देंगे कि यहाँ पे ये एलिमेंट है या यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड सन? नाउ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, देवांशी मेरे से बात कर बेटे, देवांशी। तो यस देवांशी, समटाइम्स बेटे व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन ना, तो आपका नाम थोड़े समय के लिए कुछ और आता है, तो प्लीज मुझे बताइए, बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट एनी आउटसाइडर टू कम इन अवर क्लास, बट बाई चांस ड्यू टू सम रीजन आपका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछता हूँ तो मेरे से बात करिए, यू नो दैट विल बी मेंटेन द क्लास डेकोरम। तो देवांशी मेरे से बात कर रही है। देख देवांशी, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू हाइड्रोजन एटम taken in a discharge tube under low pressure, the emitted radiation is analyzed with the help of a spectrograph. Iski construction mein nahi jana hai. Its spectrum is found to consist of series of sharp lines in gudiya UV visible and IR region. Tumhe pata hai na spectrum mein UV visible IR hote hain? Yes. Jab हम हाइड्रोजन एटम को पकड़ते हैं और उसके ऊपर रोशनी डालते हैं तो हाइड्रोजन एटम अपनी पहचान छोड़ता है, राइट? देन दिस सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। द लाइंस इन द विजिबल रीजन कैन बी सीन ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, डली पेज नंबर 18 याद रखना, ठीक? अभी वापस आते हैं, तो पेज नंबर 18 याद रखना, वापस आते हैं, ये हमें लाइन नजर आती है, पीछे क्या है गुड़िया, द फोटोग्राफिक फिल्म, उसके ऊपर लाइंस आ रही है, राइट? दैट इज ही वांट टू से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। व्हाई ही विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बिकॉज इट इज अ सिंपलेस्ट एटम वी हैव, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और इसके अंदर देवांशी एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है और एक ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज व्हाई वी विल बी सीइंग विच हाइड्रोजन एटम। जरा इसको मन में बैठा, हमारे पास लेफ्ट टू राइट, देवांशी आपसे पूछ रहा हूं, इस लाइन की वेवलेंथ ज्यादा है या इस लाइन की वेवलेंथ ज्यादा है, लेफ्ट और राइट वाली लाइन में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? लेफ्ट। नहीं बढ़िया, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? राइट, रेड वाली। वेरी गुड, जस्ट want to print it in your mind, right? I believe in repetition, you will understand everywhere. Dobara question pooch raha hu, ye hydrogen ka spectrum dekh, isko left most line bolenge, isko right most line bolenge, concept clear hai? Mujhe batao, yes. Left or right most line mein se kiski wavelength zyada hai? Right most. Excellent. Dusra question, it is for everyone, right? The question is for everyone. लेफ्ट और राइट मोस्ट लाइन में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? लेफ्ट, लेफ्ट मोस्ट। वेरी गुड, अब दोबारा, लेफ्ट और राइट मोस्ट में से कौन सा आईआर में आएगा? लेफ्ट, राइट, क्योंकि इधर विजिबल आएगा, इधर अल्ट्रावायलेट आएगा, इधर आईआर, तो स्पेक्ट्रम विजिबल से पहले क्या आता था? अल्ट्रावायलेट, और विजिबल के बाद कौन सा आता था? रेड। सो दिस इज गोइंग टू बी कौन से रीजन में आएगा बेटा जी? द इंफ्रारेड में आएगा। ये स्पेक्ट्रम वेवलेंथ बढ़ रही है। उत्कर्ष पिपेट, उत्कर्ष, लेफ्ट और राइट में से विच लाइन विल बी कमिंग इन अल्ट्रावायलेट रीजन? लेफ्ट।
बिल्कुल सही, इधर अल्ट्रावायलेट और इधर क्या आएगा इंफ्रारेड, ठीक है। दोबारा इंफ्रारेड जी सर। देखो, दोबारा देखो उत्कर्ष, द सीरीज ऑफ लाइन इज नोन एज व्हाट मैसन, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाई लाइन? यू आर गेटिंग लाइन, लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द लाइन इन द विजिबल रीजन कैन बी सीन ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ किसको देखती हैं, द विजिबल को। ईच लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ डेफिनाइट वेवलेंथ। द इंटायर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सिक्स सीरीज ऑफ लाइन, ईच नोन आफ्टर देयर डिस्कवर। ये सारे के सारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, मेरे कहे पे याद नहीं करना है, जस्ट राइट ऑन अ रफ पेज, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, टी फंड, हम्फ्री, राइट इट प्लीज एवरीवन, जस्ट एक्सक्यूज मी राइट इट, सर। नो मेमोरी, एक मिनट रुक जा बेटा, पहले ये सारे लिखो, एक रफ के ऊपर लिखो, ठीक। अब पूछो बेटा, कौन पूछ रहा था, साथ साथ में लिखते रहो। सर ये जो रेड कलर की लाइट है ये विजिबल रेंज में आ रही है, तो फिर ये किसी और टाइप में कैसे इंक्लूड हो सकती है, कि इनफ्रेड में कैसे इंक्लूड हो सकती है? अभी देख कब थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दिया कर, समझाता हूँ, ठीक डॉली, पोस्टपोन्ड, यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन इज ओके सर। पोस्ट, नॉट मतलब टोटली डिनाइड, जस्ट पोस्टपोन्ड। बिटिया कॉपी कर लिया, राइट ऑन रफ पेज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वैसे एक और डाउट था, वैसे पूछना था सर। अब जैसे हम लोग हैं कि हमें लाइक जो विजिबल स्पेक्ट्रम है हमें वो 400 से 70 750 की रेंज में दिखता है सर। जो एनिमल्स होते होंगे तो उनको भी तो उससे ज्यादा ही, जो मतलब जो जो वो यूनिक से जो एनिमल्स होते होंगे उनको ज्यादा ही दिखता होगा अगर उनकी अगर मैं आपको एक आई। अंधेरी रात में छोड़ दूं और एक शेर को छोड़ दूं, छुपना तुम्हें है कि शेर को? मुझे क्यों? क्योंकि शेर तो अंधेरे में भी देख रहा है, तो इसका मतलब से शेर हमारे से ज्यादा देख रहा है। चले, और तुमने बैट के बारे में सुना, बैट चमगादड़, जिसकी वजह से ये करोना महोदय आए हैं, उनको तो रेडियो वेव दिखती है, तुमने सुना, वो तो रेडियो वेव से चलते हैं। आपके पास वीडियो कैमरा सर है? एक मिनट अमोदनी, गायकी के पास वीडियो कैमरा है? यस सर तो उसमें देखना एक आईआर मोड होगा, अपने कमरे में सारी रोशनी बंद कर देना। आपको डिस्कवरी पे भी दिखता होगा, वो रात के समय एनिमल्स की शूटिंग करते हैं, तो वो तो इंफ्रारेड से करते हैं, हमारी आंखें नहीं देख सकती है, बट कोई और चीज तो देख सकती है, हमने उसको नहीं रोका है, हम रोक ही नहीं सकते। हाँ आमोदनी, पूछ बिटिया, कुछ पूछ रहा था। सर। अल्ट्रावायलेट रेज नहीं, मतलब वो अल्ट्रावायलेट वेव्स नहीं एमिट करते, फिर ऑब्स्ट्रक्शन से जब वो वापस आती हैं ट्रेवल करके तब वो नहीं होता, रेडियो वेव्स नहीं होती शायद? हाँ, अगर छोड़ दो तो धीरे धीरे सबकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। अगर मैं अल्ट्रावायलेट इस कमरे में छोड़ दूं तो क्या वो सदा के लिए अल्ट्रावायलेट रहेगी? वो धीरे धीरे करके उसकी वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, है ना? ठीक है सर। डेफिनेटली। तो गुड़िया दोबारा देख, ये हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज है, याद नहीं करने का। लाइमन, LY, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। जो लाइमन है उसकी वेवलेंथ अमोदनी इज लीस्ट, तो वो यस कहां सर। पे? लेफ्ट के ऊपर। और सिर्फ ये बाल्मर सीरीज विजिबल में आती है। बिटिया हम तो आपको रंग से दिखा रहे हैं ना, बट आपकी आंखें सिर्फ किसको देख रही है? बाल्मर की। विजिबल थोड़ी समय में ये जो मैं अल्फा लिख रहा हूं ना, ये भी समझ आएगा, बट ये शायद अगले से अगले लेक्चर में समझ आएगा, ठीक। तो यस दिस सर। इज, नाम बोल, पढ़ के बोल, अभी भी जो लिखवाया है, लाइमन, बाल्मर, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड एंड हम्फ्री। राइट। याद करने को मैंने स्ट्रिक्टली मना किया है, ठीक। जस्ट बी यस सर। ऑनेस्ट, इसकी मन में फोटो खींच, मन में फोटो खींचने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वॉच इट विथ टोटल ऑनेस्टी, दैट इज गोइंग टू मेक यू अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो जब तू कामयाब होगा ना, मैं तेरे पास आऊंगा और तेरी सीट पे, तुझे उठा के तेरी सीट पे बैठ जाया करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा? यस सर। जब दुनिया तुम्हें मानेगी तो मैं तुम्हें कहूंगा चल तू उस तरफ आके बैठ, मैं तेरी सीट पे आके बैठता हूँ। सो दैट इज अ टीचर इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू,
that you be successful. Right, son? Just click its photograph, leave everything on me. So what are we doing, my dear friends? We are listening to emission and absorption spectrum. Why we are listening to it? Because we cannot see. हमारी आंखें तो एक बहुत छोटी चीज को देखती हैं, हमें इसके आर पार भी तो देखना है ना. सो हम तो सिर्फ इसको देख रहे हैं, दैट इज अ विजिबल रीजन. इसके लेफ्ट में भी है, इसके राइट में भी है. अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगा तो आई विल बी नोन एज मायोपिक पर्सन. आई हैव टू ब्रॉडन माय हॉरिजन, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट. और देखो, मैं हाइड्रोजन को सिर्फ विजिबल रीजन को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन को उससे पहले का और उसके बाद को भी देख पा रहा हूँ. तो सब लोग बैठे हुए रदरफोर्ड जी से पूछ रहे थे, रदरफोर्ड जी ये क्या हो रहा है? तो रदरफोर्ड जी वहां से भाग लेते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट हैव आंसर फॉर व्हाट इज दिस ड्रामा. माय एटम व्हिच आई हैव प्रपोज, दैट इज माय बेबी, आई शुड बी एबल टू आंसर, माय बेबी इज बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई? बट रदरफोर्ड डिड नॉट हैव एन आंसर. तो थोड़े समय के बाद एक और साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम होगा नील बोवर्स. वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. वो बात दूसरी है कि हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि द एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड, बट ही विल बी टेलिंग यू व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई वी आर गेटिंग लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, व्हाई द लाइमन इज फॉलिंग इन द अल्ट्रावायलेट, बाल्मर इन द विजिबल रीजन, रेस्ट आर गोइंग इन द इंफ्रारेड रीजन. तो मिस्टर बोहर्स का इंतजार होने वाला है. योर होम इज एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट, द ऑनरेबल गेस्ट, लेट इट बी द डीसी, द डिप्टी कमिश्नर ऑफ चंडीगढ़ हैज टू अराइव. देन यू आर प्रिपेयरिंग, दैट मैन हैज टू अराइव, दैट डिमांड सर्टन ऑरा, सर्टन रिस्पेक्ट. सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. सिमिलरली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च, वी आर गोइंग टू स्टडी बोहर्स थ्योरी. But before that, I have to take you in certain background that is will be required for explaining Bohr's theory. Right, bede? So, chalte hain aage. Propagation of energy. What is propagation, dosto? The transference of energy. Karamjot, ek jagah se dusri jagah pe energy kaise jaati hai? This is described by two important theories. The first is electromagnetic wave theory. EMWT. दोनों बिल्कुल सही है. एक समय पे एक यूज होगी, दूसरे समय पे दोनों यूज, दूसरी यूज होगी, और दोनों बिल्कुल सही हैं. दोनों के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं. बट ये जनाब मैक्स प्लैंक अब साइंस की दुनिया को उड़ा के मारने वाले हैं. मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. दिस साइंटिस्ट इज गिविंग द आइडिया दैट लाइट इज हिटिंग यू इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल. मैं आपके सामने रेत का एक ऐसा कुछ इकट्ठा करके रख लेता हूं, आई जस्ट ब्लो इट, तो आपको रेत के थोड़े थोड़े कण आगे टकराएंगे ना. दैट इज ही सेइंग लाइट इज लाइक दैट. जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कर रही है, मैं आपके ऊपर टॉर्च मार रहा हूं. सो दैट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. इंटरेस्टिंग थिंग, मैक्स प्लैंक, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, आई टोल्ड यू ना, ही वाज द पर्सन जिन्होंने आइंस्टाइन को बुलाया साइंस. अदरवाइज आइंस्टाइन तो एक पेटेंट क्लर्क थे, उनको कोई ना जानता. व्हाट हैपेंड इज मैक्स प्लैंक तकरीबन एक थ्योरी देते हैं MPQ2 के नाम से इन अराउंड 1890 के आसपास. नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट. देन देयर केम अ यंग मैन नोन एज अल्बर्ट आइंस्टाइन. यंग मैन, PhD भी नहीं की है अभी इन्होंने, वो 22 या 24 साल के होंगे. वो जर्मनी में एक जगह पे पेटेंट क्लर्क, पेटेंट मतलब जैसे मैं कोई डिस्कवरी करता हूं उसको वो लिखते हैं, उसके ऊपर अब जो भी मेरे कोई इससे पैसा कमाएगा वो मुझे कुछ परसेंट देगा, हम उसको रॉयल्टी बोलते हैं. सो ही वाज अ पेटेंट क्लर्क. पेटेंट क्लर्क थे तो ये साइंस में तो इंटरेस्टेड थे. ये मैक्स प्लैंक की वो थ्योरी पकड़ते हैं और ये आगे चल के आएगा एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं. कौन? आइंस्टाइन. किसकी थ्योरी के बेस्ड? मैक्स प्लैंक की थ्योरी. अब मैक्स प्लैंक उस वक्त जर्मन जो साइंस के वो राजा थे, मतलब ही वाज द किंग इन द सेंस कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था. देन द मैक्स प्लैंक सेंट सम पर्सन आइंस्टाइन को बुला के लाओ. देन आइंस्टाइन केम टू मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टाइन सेड, तुमने मेरी थ्योरी एक्सप्लेन की है, यू मस्ट बी समथिंग. आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. द आइंस्टाइन वाज 1000 बिलियन टाइम्स बेटर देन द मैक्स प्लैंक. दिस हैपेंस.
सो टुडे आई एम टीचिंग यू, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरे से तो लाखों गुना आगे बढ़ जाएंगे, बट यस ये बीज मैं डालूंगा आपके मन में क्यूरियोसिटी का. सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड इन वे ऑफ यू, राइट सन. सो वट इज द एजेंडा? द एजेंडा इज, सना अनम्यूट योर सेल्फ. द एजेंडा इज टू टेल यू अबाउट दीज टू वंडरफुल थ्योरीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. कॉपी आफ्टर द क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या कह रहे हैं. पहले कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन आएंगे. तो देर आर टू थ्योरीज अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी और लाइट. वन थ्योरी सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एंड अनदर इज गोइंग टू बी द मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट. EMWT says energy is emitted or absorbed continuously in the form of electromagnetic waves. तुम्हें पता है electromagnetic wave क्या होते हैं, है ना? That is going to travel form of this. तो imagine कर सना, मैं बैठा हूं यहां पे एक energy के barrier पे और आप खड़े हैं यहां पे, right? ये आप होंगे. मेरे पास एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, विजिबल, व्हाटएवर इट इज. तो बेटे एक बात बता, एनर्जी हमेशा हायर से लोअर पे जाती है कि लोअर से हायर पे जाती है ऑटोमेटिकली? हायर से लोअर, ऑलवेज इट हैपेंस, ऑलवेज इट हैपेंस. एवरीथिंग फ्लो फ्रॉम ग्रेडियंट, जहां पे उसका अभाव है और जहां पे वो एक्सेस है वहां पे जाती है. व्हाई यू पीपल आर स्टडिंग? बिकॉज इंटेलेक्चुअली राइट नाउ यू पीपल आर स्टार्व्ड. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग. एंड मेरे सामने क्यों बैठे हो? क्योंकि मुझे कोई चीज आती है तो मेरी तरफ वो नॉलेज ज्यादा है, आपकी तरफ नॉलेज कम है. मेरी तरफ एनर्जी ज्यादा है, आपकी तरफ एनर्जी कम है. सो यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू फ्लो. It is going from higher to always lower की तरफ जाती है, energy emit होगी. तो आपने कभी एक आपके घर में होज पाइप जिससे आप अपने पौधों को पानी देते हैं या आप अपने वरांडा को साफ करते हैं वो पाइप देखी है? होज पाइप जिसे हम पानी देते हैं. तो आपको मैं क्या करता हूँ, उस पाइप के रास्ते से एनर्जी देता हूँ, इसमें से पानी की जगह पे एनर्जी फ्लो कर रही है. तो आप ऐसे हाथ करके बैठे, आपको कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी आ रही है. दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इट इज कॉन्टिन्यूअसली, कोई पॉज नहीं आया है. अब दूसरी चीज देख, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. समझ, इंटेंसिटी और वेवलेंथ में कोई फर्क है. The intensity and the wavelength or frequency में अंतर है. The intensity and wavelength. सुनो बच्चों, देखो अनन्या मैं क्या कह रहा हूँ. Sorry अनन्या नहीं साना, ये देखो. See बेटिया, यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको से एक सेकेंड बेटे कुछ सिखाना है. मैं आपको रेड कलर देता हूँ, ठीक. अब मैं आपको डार्कर रेड कलर देता हूँ. अब मैं आपको इवन डार्कर रेड दे रहा हूं. ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, द कलर इज नॉट चेंजिंग, है ना. व्हाट इज चेंजिंग इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी से आपको क्या समझ आ रहा है? इंटेंसिटी से आपको समझ आ रहा है द कलर इज सेम बट द डेप्थ, द गाढ़ापन is increasing. मान लीजिए आपने एक नई शर्ट खरीदी थी, that was red in color, dark red. धीरे धीरे करके वो फेड हो रही है, तो what is decreasing is, उसकी क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है? The intensity is decreasing, right? तो अगर कलर कम हो रहा है तो that is intensity is changing. For example, सुबह 4 बजे सूर्य की इंटेंसिटी कम थी, 7 बजे द इंटेंसिटी हैज इंक्रीज्ड, अराउंड 4 और 5 दोपहर को सन की रेज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी,
तो बेटा सुबह 4 बजे और दोपहर को 4 बजे आप कब सूर्य की ज्यादा ताकत, ज्यादा गर्मी, ज्यादा वार्म्थ महसूस करेंगे? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर. राइट, सो दैट इज दिस. नाउ अ सेकंड केस. सेकंड केस, डू यू रिमेंबर दैट वी आर स्टडिंग द विब गियर? डू यू रिमेंबर इधर आते हुए क्या चीज बढ़ती है? फ्रीक्वेंसी. और क्या चीज बढ़ती है? एनर्जी. राइट, तो अगर मैं आपको रेड कलर दू, उसके बाद मैं आपको ऑरेंज कलर दू, उसके बाद मैं आपको ब्लू कलर दू, उसके बाद मैं आपको वॉयलेट कलर दू, तो बेटा क्या चीज बढ़ेगी? द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज. वेयर एज रेड से अगर मोर रेड से और रेड बना दूं, डार्कर रेड, तो क्या चीज बढ़ेगी? हाँ जी, इंटेंसिटी. इंटेंसिटी विल इंक्रीज. इज एवरीवन क्लियर अबाउट इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब से विजिबल रीजन की बात करें, रंगों का चेंज होना, और इंटेंसिटी का मतलब गोरापन चेंज होना. सो दैट इज अ डिफरेंस. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है, ये क्या बोलती है गुड़िया? द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी पढ़ के बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोलती है, क्योंकि मैंने तो याद तो करवाना ही नहीं ना आपको. व्हाट डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सेज? एनर्जी इज, पढ़ के बताइए प्लीज, नो टेस्ट. Energy is emitted with absorbed with or absorbed continuously in form of electromagnetic waves. Yeah, continuously is important. जब मैं आपको एनर्जी दे रहा था तो there was no pause. आपको हमेशा आपके हाथ के ऊपर पानी गिर रहा था. Is it clear? That is known as a continuous. That word is important, बेटे. Continuously in the form of electromagnetic wave, energy is directly proportional to इंटेंसिटी. करमजोत, विल यू ट्राई मेरे से बात करने की कोशिश करेंगे? सिंह साहब. यस सर. एक डाउट है. कौन बोल रहा है? अनन्या. सर पिछले पेज पे जाना, एक मिनट, जहाँ पे आपने वो विब गियर लिखा था. तो सर एनर्जी तो वायलेट वाली साइड को इंक्रीज होती जा रही है ना, और इंटेंसिटी रेड वाली साइड को. हाँ, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुए? से सुना ही नहीं था. रेड रेड से मोर रेड से मोर रेड होना बढ़ेगी इंटेंसिटी. तो अभी तो मैंने सिर्फ एक पार्ट बढ़ाया है आपको. इंटेंसिटी का बढ़ने का मतलब होता है रंग वही रहना है, नंबर ऑफ वेव्स का बढ़ जाना. ये अभी किसने बताया? पता ही नहीं, वो तो मैंने अभी क्वेश्चन जाना है तो आपको अभी मैंने तैयार किया है. अभी आप सिर्फ बुरापन समय माइक से थोड़ा दूर है. सर यू अनम्यूट. हाँ अनन्या बोलो. बोलो अनन्या, जल्दी आगे जाना होगा. सर आपने जो अभी बोला वो सुनाई नहीं दिया. तो रिकॉर्डिंग में सुनना. मैंने ये बोला है रेड कलर से मोर रेड से मोर रेड से मोर रेड का होना इज इंटेंसिटी का बढ़ना होता है. सिर्फ इतना बोला है. क्लियर? हाँ. तो सर आपने नेक्स्ट पेज पे बोला कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. हाँ बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ. तो सर E तो एनर्जी है ना. हाँ तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने ये भी बोला था सुबह 4 बजे एनर्जी कम थी और दोपहर को 4 बजे एनर्जी ज्यादा है. क्या सूर्य की रोशनी पहले सुबह रेड थी या वॉयलेट हो जाती है, या उसके रंग चेंज होते हैं सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे दोपहर के 4 बजे तक, कि उसका रंग एक ही रहता है? एक ही रहता है. तो अगर हम आपको धूप में अब जाके खड़ा कर दें और आपको रात को 9 बजे खड़ा कर दें, तो आप क्या महसूस करेंगे? इंटेंसिटी अभी ज्यादा है कि रात को ज्यादा है? अभी ज्यादा. तो मैं इंटेंसिटी पे बोल रहा हूँ. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेंसिटी? ओके सर. चल करमजोत अनम्यूट कर बेटे. यस सिंह. सिंह हमारे हैं एमपीक्यूटी. बेटे स्कूल में एमपीक्यूटी पूरा लिखना है ना? मैक्स प्लैंक्स क्वांटम. ये कहता है दोस्त एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड डिसकंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ
packets, and that packet of energy is known as quantum or photon. Quantum or photon. Think, देख, ये मैंने अभी एक एनर्जी का सोर्स दिखाया था ना कि आप पानी की पाइप के जैसे एनर्जी फेंक रहा हूं. अब देख सिंह, एक नई चीज दिखाता हूं. ये देखो, मेरे पास एनर्जी है और मैं हायर एनर्जी पे खड़ा हूं. दिस इज मी, राइट? एंड दिस इज बेटे, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये आप खड़े हैं. मेरे पास एनर्जी है. अब एनर्जी क्लियर है, आपकी तरफ ही तो फ्लो करेगी, ठीक है ना? यस सर. अब क्या करता हूं, एनर्जी का छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, और बड़ा पैकेट, और छोटा पैकेट बनाता हूं, और मैं आपकी तरफ एनर्जी को फेंकना शुरू करता हूं. तो आपके हाथ में एक पैकेट आया, दूसरे पैकेट और पहले पैकेट के बीच में मे बी 10^-9, मे बी 10^-2, कोई ना कोई पॉज तो होगा बेटे, है ना? यस सर. आपको दिस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ रहा है. That is what I'm going to say. Energy is emitted or absorbed continuously. Imagine this is continuously. Continuously में क्या आ रहा था? There was no pause. Energy आती चली जा रही. अब आपके पास energy किसकी form में आई है बेटे? Packets. Packets. इस packet को क्या बोला जाता है? Quanta या plural में quantum. Quanta is one. Quantum is many. और light के केस में packet of light को क्या बोला जाता है? Photon. Photon. What is photon? Packet of energy as given by Max Planck's quantum theory. अब आप समझिए ना, मैंने रेत ली है. That rate is going to say represent the energy. मैं blow करता हूं तो आपको क्या hit कर रहा है? छोटे छोटे packets. तो बेटे imagination में जा, तुम बैठे हो अपने टेबल के ऊपर, तुम्हें लाइट जो हिट कर रही है छोटे 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 पैकेट्स में हिट कर रही है. दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज क्वांटम और फोटॉन. डू यू अंडरस्टैंड बेटे? यस सर. देख बेटा, सेकंड पॉइंट आता है. मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और वो क्या बोलता था? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी के चेंज होने से कलर चेंज नहीं होता था. मेरी हिंदी बहुत बुरी है बेटे, तुम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है तो प्लीज मेरे को हिंदी के मार्क्स मत देना, ठीक? गुड़ापन. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड़ापन? गाढ़ापन. डेप्थ, राइट? इंटेंसिटी, कलर. मोर रेड, मोर रेड, मोर रेड, मोर रेड. प्लीज प्लीज मेरे को इसके हिंदी के मार्क्स मत देना. मैंने हिंदी लिखनी पता नहीं कितने साल पहले, शायद 30 साल पहले के 35 साल पहले छोड़ दी थी. ओके बेटे, 10th के बाद तो हिंदी आती नहीं ना. अब सिंह इधर देख, ये क्या कहता है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ये कहता है अगर आपके पास रेड कलर है, ये विबगी और दिमाग में रखना. रेड से बेटे सपोज ऑरेंज कलर बन जाए, ऑरेंज से ग्रीन कलर बन जाए, ग्रीन से वॉयलेट आ जाए, ठीक? वॉयलेट से अल्ट्रा वॉयलेट आ जाए, से एक्स रेस में चले जाए. सिंह साहब, इधर जाते हुए क्या चीज बढ़ रही है? फ्रीक्वेंसी. अंडरस्टैंड दोनों में अंतर क्या है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ वेव्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया, एंड फ्रीक्वेंसी इज उसका रंग ही चेंज हो जाना, उसकी वेव का चेंज हो जाना. दिस इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी. अब एक बात बता करम, के हम आपको कहते हैं करम जब बाहर yes, से बेरका वाला अमूल वाला दूध वाला आया है तो उससे दूध के पैकेट लेके आओ, तो वो दूध के पैकेट आपको या तो 1 देगा या 2 देगा या 3 देगा या 4 देगा, एंड सो ऑन. अगर आप उससे 1.27 दूध के पैकेट मांगोगे वो हंसना शुरू हो जाएगा. क्यों हंसेगा? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता. अगर आएगा घर में दूध पैकेट 10 पैकेट के में आएगा. तो ये कहते हैं E is equal to H nu. What is H बेटे? That is known as नाम से कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.625 × 10^-34 जूल सेकंड. धीरे धीरे करके अपने आप याद हो जाएगा. एंड एनर्जी
will be always emitted or absorbed in whole number multiples of n, where n can be 1, 2, 3 and so on. It cannot be 1.1, 2.7 and so on. Do you understand? Yes sir. अगर आएगी एनर्जी तो पैकेट्स में आएगी 1.5. हाँ पूछो सुजय सर, आपने बताया कि जैसे दोनों थ्योरी सीख हैं बिल्कुल. हाँ तो इसका मतलब अगर हम दोनों थ्योरीज को कंपेयर करें, मतलब इन दोनों से इक्वेशन से वापस आ जाएगा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अरे रुक, अभी आपको तो मैंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं कराया. ये किसको एक्सप्लेन करता है, ये किसको एक्सप्लेन करता है, दैट मींस दैट इज पेंडिंग. समझ आ रहा है? अभी तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं ना कि ऐसा होगा, बट अभी आपने, मैंने तो कोई फैक्ट ही नहीं बताया बेटा इसके बेसिस पे. फॉर दैट यू हैव टू वेट. You understand what? Yes, sir. So, Anuvanch, this is regarding your intellectual growth. It is very important that you should know. But, bete, everything will be disclosed at appropriate time. You understand? Movie dekhiye kabhi koi? Yes, sir. तो अगर मूवी देखते हुए आप इंटरवल से पहले ही माँ को पूछना शुरू कर दो, माँ एंड में क्या होगा, एंड में क्या होगा, पता ना फिर क्या आएगा. बोल, तो अभी उसका लॉजिकल एंड होगा बच्चे, राइट? वी आर स्टार्टिंग, वी आर नॉट एंडिंग. सो दैट वाज एन गुड क्वेश्चन, बट बेटे दैट हैज टू बी पोस्टपोन. सो समटाइम्स क्वेश्चन का जवाब ये आएगा अभी पोस्टपोन, बिकॉज इसकी इंप्लीकेशंस आ रही हैं. यू अंडरस्टैंड? लाइक टुमारो यू विल बी गोइंग टू द मेडिकल कॉलेज, यू विल बी ज्वाइनिंग MBBS. विल योर टीचर गिव यू सम पेशेंट टू ऑपरेट? Because अभी बैठ, अभी सीख मेरे बच्चे. चलिए थोड़ी देर समय के लिए पोस्टपोन है. अभी तो मैंने आपको यही नहीं बताया है कि ये है क्या, ठीक? अभी तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके बीच में इसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. अगर मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना शुरू कर दूं, अभी तो आपको थ्योरी नहीं आती है, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, राइट सर? So this is, we are progressing. Yes. Anyway, please keep yourself muted. अभी समझ. देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड देख दिस इज द एमपीक्यूटी. ये हायर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी. एनर्जी हैज टू फ्लो लाइक दिस, एनर्जी हैज टू फ्लो लाइक दिस. EMW क्या कहता था, ध्यान देने वाली बात, एनर्जी इज गोइंग टू यस ट्रांसफर्ड कॉन्टिन्यूसली in the form of electromagnetic waves. There is no pause. And ye kya kehta tha? MPQT, energy is going to be transferred in terms of packets. Chhota packet, bada packet, aur bada packet. Are you able to understand continuously or discontinuously? Right? Yes, Anuvanch. Continuously or discontinuously. Inke beech mein thoda sa pause hoga. Ye kya kehta tha? Energy is directly proportional to intensity. What is intensity? आपसे सुनना चाहूंगा, मुझे सिर्फ ये बताइए. Depth, गुड़ापन, right? And ये क्या कहता था? Energy is directly proportional to frequency. Frequency. आपको अगर आपके घर में कोई छोटा भाई है, वो आपसे पूछे कि भैया मेरे को समझ नहीं आया इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है, तो क्या आप बेटे उसको इस एग्जाम्पल से या थोड़े समय पहले जो मैं समझा रहा था ऐसे नहीं समझाओगे कि देख भाई अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो उसका रंग भी चेंज होगा, और जबकि अगर इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो सिर्फ लाल एक वेव, दूसरी लाल वेव, तीसरी लाल, चौथी लाल, थाउजेंड लाल, इस प्रकार से होता रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड सन? दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड दिस. यस, नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. यस, पढ़ के बताइए. करमजोत में से बात करेगा. यस करमजोत, वी स्टार्टेड विद यू सर. करमजोत, मैं बोलता हूँ सरदार, बेटा मैं आपको सरदार जी बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर. तो सिंह साहब, ये ना EMW, वैसे मैं अपने सारे बच्चों को ऐसे ही सरदार जी बोलता हूँ, ठीक है? यहाँ सिंह साहब बोलता हूँ, तो जैसे अनुवंश है तो उसको चुक साहब बोलने शुरू हो जाएंगे. तो सन EMWT समझ आएंगे सिंह साहब?
यस सर। एमपीक्यूटी समझ आएंगे बेटा जी आप? यस सर। पढ़ के बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। एनर्जीज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट, अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करिए इसको। सर व्हेन एनर्जीज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड नॉट इन पैकेट्स इट इज एमिटेड कंटिन्यूअसली। मतलब देयर विल बी नो पॉज। आई एम थ्रोइंग एनर्जी ऑन करमजोत, करमजोत विल बी ऑलवेज इन टच विद एनर्जी। यू अंडरस्टैंड? यस। Whenever energy is coming, continuous supply is there. There is no pause. Good, sir. Anuvansh, unmute yourself. Anuvansh, please read it. Yes, sir. Energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of packets. Each packet is called quantum, and in case of light, it is called photon. Yes, my son. So, beta, can you explain it in your own words? इसमें जो एमपीक्यूटी है उसका मतलब है कि जैसे एनर्जी जो हमें मिल रही है सो वो डिस्कंटीन्यूअसली मिल रही है, उसके बीच में पॉज है और वो पैकेट्स के फॉर्म में मिल रही है और उन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं लाइट के केस में और वैसे क्वांटम्स। वेरी गुड। तो इमेजिन कर ये पीछे मेरे पास एनर्जी है तो मैंने क्या करी है इसके पैकेट्स बना लिए और मैंने आपकी तरफ पैकेट्स जैसे वो होली के गुब्बारे नहीं होते दोस्त उस प्रकार से आपकी तरफ फेंकने शुरू कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस का फर्क समझ पा रहे? एक पैकेट और दूसरे पैकेट के बीच में क्या होगा? यू विल नॉट बी इन टच विद एनर्जी। इज इट क्लियर? राइट सर। यस सर। गाय अनम्यूट कर। गाय की दीदी। यस गाय की दीदी, कल ये पढ़। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव से आपको क्या समझ आया ये आप मुझे समझाने की कोशिश करिए। सर इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी कलर है, अगर आप कोई भी कलर लेते हो तो वो कलर तो सेम ही होगा बट उसके आगे मतलब जो डेप्थ है वो और ज्यादा ज्यादा डार्क होता जाएगा। बिल्कुल। अच्छा ऐसा एग्जांपल भी कह सकता हूँ? हाँ या ना में जवाब देना। आपने कल कोई शर्ट ली थी, लेट इट बी वो डार्क ब्लू कलर की थी, धीरे धीरे धोने के बाद सूरज में उसको सुखाने के बाद उस फैब्रिक का ब्लू से लाइट ब्लू से लाइट ब्लू से वो गरीब बेचारा बिल्कुल लाइटेस्ट ब्लू हो गया। तो बेटिया क्या चीज चेंज की है? इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी? ये राइट, द इंटेंसिटी इज गोइंग टू चेंज, ऐसा वो कह रहा है। अनन्या अनम्यूट कर। राइट अनन्या, ये पॉइंट पहले पढ़ सकते हैं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी विल बी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ एन। व्हाट इज एच? द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बेटे इसको ऐसा समझा कि तेरे घर में एक छोटा भाई बहन है और तुम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, समझाओ। मतलब मैं फ्रीक्वेंसी से आपको क्या समझ आ रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अभी थोड़े समय पहले अनुवंश ने हमें शायद गायकी ने इंटेंसिटी के बारे में बताया। सर जैसे जैसे हम किसी चीज को एनर्जी जो होगी वो एनर्जी देंगे तो वो उसके नंबर ऑफ वेव्स जो पास कर रही है वो इंक्रीज करती जाएंगी। नहीं मुझे फ्रीक्वेंसी सुननी है, वो तो इंटेंसिटी होगी ना, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेंगी उसी वेवलेंथ की तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। एक वेव आ रही थी 100 वेव आ रही थी, अगर अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? कि उसके कलर में चेंज आता रहेगा, कलर चेंज आएगा। अच्छा कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यू कैन यूज एग्जांपल गिवन ऑन द बोर्ड आल्सो, मुझे समझाओ कि कलर चेंज होगा तो मुझे बताओ किस प्रकार से होगा, जैसे मैंने समझाया था। नहीं पता सर। रेड से ऑरेंज से ग्रीन से ब्लू से वॉयलेट करते जाओगे तो व्हाट इज इंक्रीजिंग? द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। इंफ्रारेड से विजिबल से अल्ट्रा वॉयलेट से एक्सरेज मारते चले जाओगे तो व्हाट इज इंक्रीजिंग? द हां जी frequency is increasing and hence this is increasing. Amodini,
Will you unmute yourself, son? Yes, Amodhani. Amodhani, what is H? The Planck's constant. Very good. बेटा कोशिश कर, गलती मेरी, कोशिश आपकी, H की वैल्यू क्या है? 6.625 into 10 raised to power minus 34 joule into second. Very good. Excellent. Right? And what did he says? Energy will be coming in packets. So what does this N indicate, son? कि एनर्जी हमेशा होल नंबर की फॉर्म में आएगी, कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती. नहीं आ सकती, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, है ना, कि अगर दूध का पैकेट होगा या दो होगा, तो क्वांटम वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है. व्हाट इज क्वांटम? पैकेजिंग. एनर्जी इज पैकेज्ड, राइट? जैसे हम मार्केट से कोई दाल लेके आते हैं, कोई दूध लेके आते हैं, ऑयल लेके आते हैं, शुगर का पैकेट लाते हैं, इट इज गोइंग टू बी पैकेज्ड. The nature is going to do it. ये जो अनिवंश अभी पूछा था ना, इसमें आपको भी काफी समय लगेगा बेटे. It will explain phenomena like. सर एक डाउट है. एक मिनट बेटा. It will explain phenomena like reflection, refraction, diffraction. You'll be doing all these in your physics. Whereas this will be explaining phenomena like photoelectric effect. बड़े बड़े भयंकर इफेक्ट आएंगे. इनको एक्सप्लेन करने में आइंस्टाइन सर को नोबेल प्राइज मिलेगा. So I hope you can understand it will take time. Black body radiation. ये बड़ी मजेदार चीजें आएंगी, जैसे black hole है, वो सबको खा जाता है. So what is the reason behind it और वो effect क्या है, उसको सिर्फ Max Planck ही explain कर पाएंगे. And Einstein could explain it. Einstein ने तब के दिनों में बता दिया कि there will be a phenomenon known as black holes. तो सब उनके ऊपर हंसते थे कि Einstein लिखते क्या है. अभी हमें तकरीबन 30 इयर्स 20 इयर्स से पहले प्रूव हुआ कि यस ब्लैक होल्स एग्जिस्ट. और तुम्हें पता है द लेटेस्ट ब्लैक होल हैज बीन जस्ट डिस्कवर्ड नियरेस्ट टू आवर होम, दैट इज अर्थ. दैट इज ओनली 1000 लाइट इयर्स फ्रॉम अस. 1000 लाइट ईयर हमें कुछ नहीं लिखता है, बट नेचुरल तौर पे ये कुछ भी नहीं है. और तुम्हें पता है हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है, हमारे से उसका सेंटर तकरीबन 26,000 किलोमीटर लाइट ईयर्स है. 26,000 लाइट ईयर्स है. देयर इज आल्सो गोइंग टू बी अ ब्लैक होल. सो दैट इज वेलकम इनटू अ न्यू टाइप ऑफ थ्योरी, जो कि आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स को, जो कुछ आपने टेंथ में किया था, उसको टोटल बैंड बजा के जा रहा है. ऐसा हो रहा है ना अमोदिनी? अब क्वेश्चन पूछ सकता है बेटे. पूछ. यस पूछ सर. क्वांटम क्या होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है डॉली. तो क्वांटम का बेसिकली गुड़िया मतलब होता है पैकेट्स, राइट? मैं आपको वैसे ही आपके ऊपर आपको शुगर लेता हूं, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट बनाता हूं, दैट इज नोन एज पैकेट. सो क्वांटम इज गुड़िया एक इंग्लिश वर्ड है दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग पॉकेट, राइट? सो व्हेन आई से पैकेट ऑफ एनीथिंग, yes, say quantum of energy, quantum of milk, quantum of anything, sugar, quantum of anything. Quantum का मतलब क्या डॉली? Packet. Packet. So Max Planck's quantum theory क्यों कह रहा है? ये कहता है energy is going to be transmitted in the form of packets. Packet. So that is why packet. A new theory is coming, new concept is coming to you people. That is a very good question. Anuvain samjha? Chal sakta hu Devanshi? Garima, samajh pa raha bete? The package of energy. What is in front of you, it is going to be extremely important. In thode samay mein, abhi tumhe batata hu, iska matlab kya hua? Energy of photon. Abhi nahi samajh aayega. Theek? Chaliye, pen, page uthaiye. Thode questions karte hain. Phir dobara, dekho, abhi to learning chal rahi hai. This is not the end. This is starting hui hai bete. ठीक, बट हमें उसको प्रैक्टिस में लेके जाना होगा. यस yes. तो गरिमा मेरे साथ क्वेश्चन करेगा? यस yes, गरिमा चल yes, बेटे मिलके करते हैं. द विव भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, इसको AIR बोलते हैं ना, आपने सुना होगा पक्का. ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.368 किलो हर्ट्ज. इसका मतलब हुआ बेटे 1368 किलो हर्ट्ज. तेरे को पता है किलो किसके बराबर होता है?
ऐसा। और आपको पता है बेटे, आप हर्ट्ज की जगह पे सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो। इसका ये मतलब है फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी किलो हर्ट्ज पे है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। तो डियर, आपका रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, डू यू रिमेम्बर? यस पूछा क्या है इसमें उसने, लैम्डा। तो लैम्डा कैसे निकालेगा? सी बाय फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू बता। पढ़ते बताओ। मैंने लिख दी है, पढ़ के बता दो। आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं। 3.0 × 10^8 m/s फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बहन? 1368 × 10 तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं चलेगा? यस इसको ऊपर ले जाऊं गुड़िया, चलेगा? सर समझा। यूज कैलकुलेटर प्लीज, फोकस योर एनर्जी ऑन समथिंग विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट मैथमेटिक्स, डू योर प्रयास को। अनवंश, दिस इज प्रैक्टिकल बेटे, यू कैन आंसर। अग्रिम बात बिल्कुल भी नहीं। 2.18, तो क्या मैं इसको 2.18 × 10^2, तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटेड 2.18 m लिख दूं बेटे? यस सर। चलेगा? भागे 218 m। अरे ये भी पूछता है, टू विच पार्ट पॉइंट ऑफ वन नाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। कोई बात नहीं बेटे, 2.19 दिस इज द मीटर। अरे जब मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दी ना, तो डोंट वरी, ओके? तो यू फोकस अपॉन दैट। गुड डॉली, ये समझ आया? इज इट क्लियर यस सर। देवांशी? तो देवांशी एक मिनट बेटे, पेज नंबर 34 याद रखना, वापस आते हैं। 219 m, 219 m, अंदाजा लगाओ ये कहां पे होगा। इस गामा रेज एक्स, नहीं ये तो माइनस, ये तो माइनस एक्स है, ये माइनस थ्री है, ये 10 है, ये 10^3 है। सो इट विल बी समवेयर हेयर। रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स, तो रेडियो सिग्नल ही कहां से ट्रांसमिट होता है? वो तो रेडियो वेव से ही होता है ना। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द रेडियो वेव्स। ठीक बच्चों, तो हमारा आंसर आ गया है, दिस इज गोइंग टू बिलोंग टू विच वेव्स? द रेडियो वेव्स। आंसर इज प्रेजेंट हेयर ऑल्सो, तो इट इज अ करेक्टरिस्टिक्स रेडियो वेव। अरे ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो चलता ही किसके ऊपर है? रेडियो वेव्स के ऊपर चलता है। इज इट क्लियर? एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? दिस इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिकल थिंग, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो वो तो भी बहुत बढ़ेगा। चलिए जी आगे चलते हैं। हाय रोहित, योर माइक वर्क? रोहित डज योर माइक वर्क? नो? यस, विल यू ट्राई रोहित? ईशान हमारे साथ क्वेश्चन करेंगे आप? द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम 400 nm टू 750 nm, एक्सप्रेस दीज इन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ही हैज गिवन यू दिस। तो कहता है वेवलेंथ रेंज, तो वेवलेंथ विजिबल रीजन की कहां से कहां जाती है? द 400 nm टू व्हाट, 750 nm वेवलेंथ। ही इज आस्किंग मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो बेटे सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी सी बाय लैम्डा। बच्चों व्हाट इज सी? 3 × 10^8 m/s प्लीज कैलकुलेटर। एंड वेवलेंथ इज 400 nm, सो यस गिव मी द आंसर।
I'm waiting for your answer. I can do it, but I want you people to do that. जी बच्चों, पॉइंट जीरो जीरो सेवन फाइव गिवन साइंटिफिक नोटेशन बेटे. फोर ले लूं तो ये सेवन बन जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन टू पावर फिफ्टीन और सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर 14 second inverse. Scientific notation is second inverse or pulse. Do you understand kadam? Aaj baat nahi kar raha, kya hua? Mic mein gadbada gaya? Yes sir. हाँ, आज जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया? कुछ नहीं. कुछ नहीं की बच्ची, चल अगला क्वेश्चन मेरे साथ कर. ये क्वेश्चन समझ आ रहा? Yes sir. अब चल मेरे साथ कर. अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटे. तो अभी ना आप जब रिपीट कर रहे हैं तो आपके मन के अंदर इसकी एक फोटो सी बन रही है. 10 टू पावर 8 एंड दिस इज व्हाट 750 इनटू माइनस 9 मीटर. समझ आया? यस सर. तो डली माइनस 9 था तो यहाँ पे मीटर का हैप्पी बर्थडे हो गया. यस सर. 3 इनटू 8, क्या मैं इसको 7.5 इनटू माइनस 7 लिख सकता हूँ? यस सर. तो बता जरा कितना आंसर आ रहा है. 7.5 इनटू 10 रेस टू पावर 14 सेकंड इनवर्स. नहीं, ये तो 0.4 रह गया ऊपर जाके. सो ये रह गया तेरा 0.4 इनटू 10 रेस टू पावर 15 हर्ट्ज. ओके ओके ठीक है. ये आंसर आया आपका. हाँ हाँ बोलो. दोबारा क्यों करें सर ये? क्योंकि एक बार 400 के लिए निकाला, एक बार 750 के लिए निकाला. उसने रेंज बताई थी ना. यस सर. दिस इज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ. सो इसका मतलब यह है कि हमें 400 से लेके 700 नैनोमीटर ऑन वेवलेंथ स्केल नजर आती है और हमें 7.5 इनटू 14 हर्ट्ज से लेके 4 इनटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज तक हमें नजर आती है. आप वेवलेंथ की जगह पे फ्रीक्वेंसी भी तो बोल सकते हैं ना. इज इट क्लियर? अच्छा सुनो, due to any reason, अगर आपके पास कोई नेट वीक था, कुछ हुआ था, तो उसकी चिंता मत करिए. आपको जो रिकॉर्डिंग मिलती है, that is going to be perfect without any problem, because it is being recorded at my end. आगे जा सकते हैं बच्चों? अदम दीदी, हो गया? Yes sir. चलिए, नमन, अभी तक मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, तो नमन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नमन यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है बेटे. तो ये मिसिंग है तो प्लीज इसको ऐड कर ले. ठीक, तो उसने आपको दिया. और सुनो, ये आपके एनसीईआरटी बेसिक बुक के क्वेश्चन आ रहे हैं. मैंने सीक्वेंस भी चेंज नहीं की है बिकॉज दिस इज द मिनिमम फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू. चलिए बेटे क्वेश्चन सॉल्व करिए. यस रिया, हाउ आर यू रिया? शैल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर? कैलकुलेट द वेव नंबर एक एक चीज करके. रिया, व्हाट इज वेव नंबर डॉली? तेरे को याद है? नहीं आता मेरे से पूछो. वेव नंबर इज रिटन एज दिस. वन बाय वेवलेंथ. वेरी गुड अनुवंश, बहुत बढ़िया राजा. ऐसा तो अनुवंश, दिस इज वन बाय वेवलेंथ बेटे. सो वन बाय 5800 एंगस्ट्रॉम. अरे वेवलेंथ दे रखी है ना. यस सो दैट इज भाई, दिस इज गोइंग टू बी 1/5800 इनटू 10^-10. वेरी राइट. सी दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल यू दैट यू हैव टू रिमेंबर एंगस्ट्रॉम बट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस. तो प्लीज चेक अनुवंश, 5.8 इनटू -7 चलेगा बेटे? यस सो. तो राजा ये ऊपर आके मीटर इनवर्स हो गया. दिस विल बी 10 इनटू 10 इज टू पावर 6 बाय 5.8. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? यस सो. 1.72 इनटू 10 इज पावर 6.
एक्सेलेंट यार अनुवंश, मैं आपके कई क्वेश्चंस का ना बेटे, तो एज अ टीचर मैं उनका जवाब अभी नहीं दे सकता हूं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वी विल बी हैंडलिंग इट, बट फ्यू क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड हियर, फ्यू क्वेश्चंस विल बी पोस्टपोन्ड, ओके सर? यस, एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड एट एप्रोप्रिएट टाइम, बट यू कीप ऑन आस्किंग, यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट. शैल वी मूव अहेड? जैस्मीन सिंह, विल यू गो अहेड विद द सेकंड पार्ट? फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है जैस्मीन सिंह? Yes, Jasmine. See, Jasmine, the B part, how do you do it? Anyone can come forward, right? Whoever want to discuss a question, B part. So that is frequency. Yes, frequency C by lambda, dear. Right? Get me the answer quickly. Let's see your speed. You can use calculator. There's no restriction on you people. Right now, my focus is make your mind open. Meri speed ko harao. 3 to 10 is to power 8 meter per second. Dimensions, do write it. 5800 into minus 10 meter. 5.17 into 10 is but 12. Very right, beta. Let me check it. Let me just check it. 0.58. Anuvansh, I may be wrong, I may be right. Hai na? So I'm taking the 10 to the power minus 6 here, video. So this goes to, please check it. I may be wrong. I'm not boasting. So isn't it 10 to the power 14 ki range mein aa raha hai, video? Ek baar check karo. Everyone else, why aren't you using your calculator? You should be. Anuvansh, jisme se maine 4 point khiska liya na, to minus 6 kar diya na. So this is to be 3, I'm using calculator, sir. Sir, 5.17 into 10 raised to power 14. Yes, sir. Very right. Are you sure 14 aa raha ki 13 aa raha? 14. Sir, 14 hai. Oh, 14 hai. You're right, you're right. Ab main bhi calculation kar raha tha. Good hai. Bilkul good hai, bete. Right? So no, sir, everybody... प्रॉब्लम आ रही है सर पावर की, एक बार बता दो. लो जी लो उत्कर्ष जी, तो यस आपके साथ करते हैं बेटा, ठीक है जी उत्कर्ष. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था उत्कर्ष. फ्रीक्वेंसी इज 3 इनटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड बेटे, और 5800 इनटू माइनस 10 मीटर बेटा. ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर, ये this is the best question of the day, right? So Utkarsh, go slow, jaldi nahi hai mere bachche. Ye to samajh aa gaya na, meter meter ka happy birthday ho gaya. Yes sir. Aapko pata hai main agar 5800 ko 5.8 into 3 likhu aata hai ki nahi aata hai? Sharam nahi karne ki, aata sir pakka, kyunki jab is taraf khiskayega na to 10 ki power mein jayega. तो बेटे अगर मैं इसको 5.8 into 3 लिखूं चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है. अब दोस्त अगर हम ऐसा कर रहे हो तो इसको क्या आपको ये पता है कि नहीं पता है? पता है सर. वेरी राइट बेटा, पूछते रहना, बिल्कुल शर्म मत करना. दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन आई विल से फॉर टुडे, बिकॉज़ 5.8 into minus 7 है, तो अगर मैं 10 to power minus 7 को 10 की power 7 numerator में shift कर दूं, आता है? Yes sir. बेटा ये आ गया तेरा? Yes. Calculator पे multiply करके दे. 0.517. Yes, Utkarsh, did you get it? Yes, sir. Point. Sir, please, 15 आ गया 10 की पावर में. हाँ, अब बिल्कुल आ गया. अब देख, इसको अगर 10 को इधर खिसका लूँ, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. तो बेटे, इसको 5.17 into 14 लिखूँ, कोई प्रॉब्लम? ठीक. नहीं सर. उत्कर्ष, देख बेटे, ये भी बिल्कुल सही था, but ये भी बिल्कुल सही था.
अब अगर आपके स्कूल की फेयरवेल पार्टी बेचारी हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी सर। अच्छा, तो अगर आप अपने स्कूल की पार्टी में साफ सुथरे कपड़े ना पहन के जाए तो क्या वो माना जाएगा अच्छी चीज के नहीं मानी जाएगी? नहीं। तो बेटा ऐसे ही इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में वन डिजिट के बाद डेसिमल आता है। सो जो रिपोर्टेड आंसर होगा दैट शुड बी इन व्हाट वे? साइंटिफिक नोटेशन। सो दैट इज व्हाई वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू दैट। दिस इज परफेक्टली वेल जो आपने हमें पहले बताया था ना, बट आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ इट इज ओके सर, आगे जा सकते हैं? यस गुड, वेरी गुड। चलो जी तनवीर, ये क्वेश्चन करते हैं 2.6 मिलके बेटे। और सुनो, ऑल ऑफ यू आर सपोज टू हैव अ नोटबुक, एक अच्छे पेज वाली, एवरेज सी थिकनेस वाली, थोड़ी मोटी लेना, रजिस्टर। नाउ डोंट बाय नोटबुक्स, जो आप 10वीं तक करते थे ना, उसके अंदर ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उसमें शुरू हो जाए सेपरेटली। वी हैव डन फ्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन इन द प्रीवियस सेशन आल्सो, प्रीवियस से प्रीवियस से प्रीवियस में, है ना, जब हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला, है ना तनवीर? यस सर। तो तनवीर चल डाली ये करें, 2.6 मिलके करते हैं, दोनों भाई बहन मिलके करते हैं, है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, है ना? चल yes. सब कुछ मैं बताऊंगा, तुमने सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, चलेगा? ये तो कर लेगा ना, जो नहीं समझ आया, जैसे कृष्ण ने अभी कैलकुलेशन भी पूछी ना, वो भी पूछना है, ये काम की चीज है। गुड़िया ये कहता है एनर्जी ऑफ मोल, आपको अगर नहीं पता तो जैसे डजन होता है 12, पेयर होता है 2, सेंचुरी होता है 100, तो गुड़िया एक मोल किसके बराबर होता है? ये जैसे अभी मुझे भूल गया किसने पूछा था, क्वांटम, राइट? तो बेटा क्वांटम पैकेट का भी हो सकता है, दूध का भी हो सकता है, एनर्जी का भी हो सकता है, ह्यूमंस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना? तो गुड़िया ऐसे yes. एक फोटोन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, प्रोटॉन का भी हो सकता है, बनानास का भी हो सकता है, ऑरेंजेस का भी हो सकता है, ह्यूमंस का भी हो सकता है, पिग्स का भी हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना? तो वन मोल इज अ कलेक्शन। व्हाई वी यूज मोल? बिकॉज एटॉमिक वर्ड इज वेरी 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 स्मॉल, सो देयर वी कैन नॉट टेक मिलियन ट्रिलियन, वी नीडेड इवन बिगर यूनिट, राइट सर? तो आई होप वन मोल इज क्लियर टू यू सर, है ना? देयर इज नो प्रॉब्लम। Now, calculate energy of one mole of photons of radiation having frequency this. Can you imagine, can you try that energy or frequency ke beech mein relation kisne diya tha? Max Planck. Are very Max right. To Tanveer bilkul sahi bol raha hai. Tanveer, this is equal to what? Energy is equal to frequency into तो h की वैल्यू आपको हम बताएंगे नहीं, राइट? जैसे आपको हम बताते नहीं है कि चंडीगढ़ के स्पेलिंग ये है, नाउ यू हैव टू लर्न, हमने कभी बता दिए होंगे आपको, तो गुड़िया h की वैल्यू आपको नहीं बताई जाएगी। ये कितने फोटोन की एनर्जी है? दिस इज एनर्जी ऑफ कितना है? वन फोटोन। उसने आपसे पूछा क्या है डॉली? एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन। तो बहन देखो, वन मोल के लिए यहां पे क्या रखना होगा? एन। व्हाट इज एन? इट इज गोइंग टू बी 6.022 इनटू 10^23। समझ आया? यस सर। तो तनवीर मेरी कैलकुलेशन को संभालना गुड़िया। तनवीर बहुत आसान है, जैसे हमने बोला ना कछुए के जैसे चलते रहना, नई चीजें आएंगी, डर लगेगा, कोई बात नहीं, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बहन वैल्यू पुट करवा, 6.022 इनटू 10 रेज टू पावर 23 इनटू 6.625 इनटू 10 रेज टू पावर -34 जूल्स इनटू सेकंड इनटू 5 इनटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज। गुड़िया सेकंड के बराबर भी होता है? यस सर। तो देख इसका हैप्पी बर्थडे हो गया,
आपका एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आप बाकी काम करो, मैं ये 10 की पावर वाला 19.947 into 10 raised to power 4। वेरी गुड, ये देखो मैंने ये ठीक लिखा उत्कर्ष भैया। तो उत्कर्ष 27 और 10 टू दी पावर 7, इसको आपने कितना बोला बेटे? 19.947 into 10 टू दी पावर 4। यस उत्कर्ष, तो इट इज 10 टू दी पावर 4 आ गया है ना। थैंक यू उत्कर्ष। तो ये 19.94 बोला आपने है ना? यस सर, ये बोला। तो देख बेटे 19.94 into 10 raised to power 4 जूल बोला ना। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 199.4 बन गया। तुम्हें याद है 10 to the power 3 जूल किसके बराबर होगा? किलोमीटर, किलो जूल, किलो जूल। और सुनो, डोंट वरी एट ऑल, अगर आपका आंसर इतना आ रहा है, बुक का आंसर इतना आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम बेटे। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, वेलकम इनटू दैट। हाँ सर, वो मोल की वैल्यू सर हम 6.022 की जगह सिर्फ 6 भी तो लिख सकते थे, 6 into 10 to the power 23। अगर जब आप इतना बड़ा फिगर लेते हो ना, तो 6 into 10 to the power 23 और 6.00 बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ जाता है। तो मेरे कहे पे, मेरे एक्सपीरियंस से सिर्फ यही वैल्यू लेनी है। अगर आप 6 से करेंगे ना, देखना आपका आंसर बहुत डिफरेंट आए, और क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म है ना, तो इस करके फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ गया दोस्त? ओके सर, दिस इज वेरी ह्यूज डिफरेंस विल अराइज। अग्रिम, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। सो एवरीबॉडी क्लियर व्हाट अग्रिम हैज आस्क्ड? ही सेड मैं 6 नहीं ले सकता हूं, और मैंने जवाब दिया नो। तो अग्रिम क्वेश्चन यहां पे भी है बेटे, जरा सॉल्व है, ठीक। सो ये यहां पे मिसिंग है, तो आपका आंसर 199.51 किलोजूल आ जाएगा। यस, चलिए एक चीज बताते हैं, एनर्जी के डाइमेंशंस क्या होंगे बेटे? जूल, द जूल। गाय की अनम्यूट करेगा? यस गाय की। तो गाय की एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। जूल एक टर्म आएगी बेटे, आप पावर। पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज पर यूनिट टाइम। टाइम तो ये बन जाएगा जूल पर सेकंड। यस सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डॉली। तो जूल पर सेकंड इज आल्सो नोन एज वॉट। वॉट। तो अगर मैं बोलूं आपको किसी जगह पे 10 वॉट एनर्जी थी, तो बेटा क्या आप ये समझ आएंगे 10 जूल पर सेकंड है ना? यस सर। गुड देवांशी, अगर डॉली मैं ऐसा लिखूं किलोवाट पर आर, किलोवाट, चलिए छोड़िए किलोवाट लिख देता हूं, मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, तो इसका मतलब क्या रहेगा? 10 into 10 to power 3 वॉट। सो दैट इज गोइंग टू बी 10 into 10 to power 3 जूल पर सेकंड। देवांशी समझा? सो देवांशी, व्हाट इज वॉट गुड़िया? जूल पर सेकंड में आएगा, ठीक। सो व्हाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज़ ब्रिंगिंग अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दैट। यस देवांशी, मिलके करें। अ 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। देवांशी विल यू सॉल्व विद मी? तो बेटे 100 वॉट इज गोइंग टू बी रेड एज 100 जूल पर सेकंड। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमेटिक? मोनोक्रोमेटिक, यस बच्चों, सिंगल सर, सिंगल जिसमें वेव हो, सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया अनुवंश, दैट इज सिंगल वेवलेंथ।
बहुत बढ़िया अगला, और वेवलेंथ कितनी बताई है? 400 नैनोमीटर. डू यू माइंड इफ आई राइट इट लाइक दिस? अनुवंश भैया क्या पूछ रहा है बेटे? कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड. तो कौन सा रिलेशन यूज करेगा अनुवंश? पहले इसमें सर हमें ये गिवन है 100 जूल्स पर सेकंड, मतलब वो 100 जूल्स निकाल रही है एक सेकंड में. गुड. तो हम एक प्रोटॉन की निकाल लेंगे कि कितनी उसकी एनर्जी है एक प्रोटॉन की, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास वेवलेंथ हमें गिवन है 400 नैनोमीटर्स. हमें टोटल एनर्जी गिवन है उसको हम डिवाइड कर देंगे फिर. वेरी गुड. चलिए अब बताइए मैंने रिलेशन जो फर्स्ट लिखा ठीक लिखा बेटे? यस सर. क्या फ्रीक्वेंसी की जगह पे सिंगल लैम्डा लिख सकता हूँ? समझ पाएगा? यस सर. अब बेटे एनर्जी की जगह पे अगर यहाँ पे क्या लिखूं? 100 जूल. 100 जूल पर सेकंड. एन उसने पूछा क्या पर सेकंड? तो एच की वैल्यू 6.625 into 10 to the power minus 34. अरे वाह अग्रिम, ये तो मैं चाहता हूँ यार. जूल सेकंड अग्रिम, और फ्रीक्वेंसी यस सर 3 into 10 की पावर 8 और वेट 400 into 400 into 10 to the power. Into the power minus 9. ये देखो पर सेकंड उड़ गया. आपके पास रह क्या रहेगा आंसर? मीटर. yes, मीटर sir. में उड़ गया. आपके पास आंसर जूल, जूल के साथ खत्म हो गया. आपके पास एन की वैल्यू आएगी पर सेकंड. दीजिए मुझे आंसर. मैंने नहीं करना ये आंसर, आप कर रहे हैं सिर्फ. Yes, अग्रिम, अनन्या, अनन्या कोई क्वेश्चन ही नहीं, अब जवाब नहीं दे रही है ना. जब पूछना होता था मेरे से खूब पूछ लेती है, जब मैं पूछ रहा हूँ तो कोई जवाब नहीं आ रहा. अनन्या दीदी give me the answer. Yes, अग्रिम 201 2.5 into 10 to the 17. एक एक करके पहले कौन बोल रहा है? अभी जो भी बोलेगा बस बोलिए एक. Yes, अग्रिम आपने किया कैलकुलेशन? 2 into सर कैलकुलेशन सर 49.6875 into 10 to the power minus 19 आ रही है. नहीं, नंबर माइनस 19 नहीं हो सकता है. अनुवंश आपने क्या आंसर निकाला? 201 2.5 into 10 to the power 17. ये बोल रहे हो बेटे आप? सो ये बोल 10 to the power 20. बहुत बड़ा आंसर आना चाहिए, इसके आसपास ही होना चाहिए. I do not have NCERT right now with me, but these are NCERT question, so I can get you answer. Anyway, I think you can check it later on, है ना? That's not a big problem. Can you people do that? Please. Yes, sir. Calculation. That you can do it. It's not a big issue. बच्चे गुड. अनन्या दीदी चल आ जा जरा मेरे साथ क्वेश्चन करवाओ. यस सर. अनन्या आगे चलें? यस सर. 10 की पावर 20 आ गई. 10 की पावर 20 आ गई, तो फिर पिपेट मतलब बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं ना उत्कर्ष. चल हाँ अनन्या अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं बेटे. अनन्या ये कहता है येलो लाइट फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. आंसर तक नहीं जाएंगे गुड़िया, सिर्फ रिलेशन बनाएंगे. ठीक है? ओके सर. अनन्या फ्रीक्वेंसी कैसे निकालता? सी बाय लैम्डा. सी तो फिक्स्ड है, आंसर नहीं निकालेंगे. मुझे ना मीटर पर सेकंड भी सुनना है अनन्या. ओके सर. Into minus 9 meter. आंसर पे नहीं जाएगा. गुड़िया वेव नंबर क्या होता है? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. वेरी राइट. देख अपने आप याद होगा.
So this is going to be 1 divided by 580 into minus 9. Upar aake kya ho jayega? Meter inverse. Kya isko homework de diya hai? Sir, frequency ko aa gaya. ओ नहीं मुझे आंसर नहीं चाहिए वो होमवर्क होगा ना बेटे अगर हम सारे के सारे अभी यहाँ को आंसर तक पहुंचाएंगे तो हमारा सिलेबस पेंडिंग होना शुरू हो जाएगा ना तो हम समझने के ऊपर पहले काम करेंगे उसके बाद हम आपको होमवर्क देना शुरू कर जाएंगे समझाने के बाद और सुनो आंसर है हमारे पास आंसर भी है बट आई विश कि आप अपने आप करिए अगला क्वेश्चन मेरे साथ करेगा पूरी यस पूरी चलिए ये क्वेश्चन करते हैं Find energy of each of the photon, which has frequency is equal to this. तो अग्रिम कौन सा रिलेशन लगेगा? NHV frequency. और इस वक्त n कितना है? One. तो बेटे होमवर्क दे दूँ ये? Yes sir. N one है, h आपको पता ही है, h कितना होता है? बोलो 6.625 into 10 to the power minus 34 आगे भी चाहिए into second joule into second joule into ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये है अगर सेकंड करें अब कौन सा रिलेशन यूज करेगा n h c होमवर्क दे दो बेटे यस सर पक्का ज्यादा मुश्किल नहीं है ना नो सर गुड 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 अन्य अरोड़ा सी बेटे आंसर है बट आप खुद करेंगे चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन देवांशी मिलके करें बेटे कैलकुलेट द वेवलेंथ वोस टाइम पीरियड इज इतना ये सब कुछ पूछा गया है बुढ़िया देवांशी टाइम पीरियड बताया गया है कितना 2 into 10 to power minus 10 second. Devanshi, what is time period? It is reciprocal of frequency. Frequency. So, Dolly, is a frequency aa jayegi idhar 1 by t? Yes. It is 1 by 2 into 10 to power minus second. Or this is going to be upar jaake second inverse ho gaya. Devanshi, main ek scheme lagaya hua. Aapko samajh aayi gudiya ye? Yes, sir. स्पीड बढ़ा ली ना तो दैट इज इक्वल टू 5 इनटू 10 टू पावर 9 सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज समझ आ रहेगा यस सर वंस फ्रीक्वेंसी आ गई तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी होमवर्क दे दूं यस सर एंड व्हाट इज वेव नंबर डाली 1 अपॉन लैम्डा इज इट क्लियर यस सर कैन आई गिव यू दिस एज अ होमवर्क Answer also provided. This as a homework. Devanshi, what do you mean by this question, Vidya? Rate of emission of quanta per second. Yes, Vidya? Number of photons emitted in 1 second. Very good. He's asking Chug N. So, Chug, kaunsa relation use karega yahan pe? E is equal to NHV. Very good. Or C by lambda. है ना तो E कितना दे रखा है बच्चे 25 joules per second और H C by lambda put करके N निकाल लेगा चलेगा चुग yes sir homework हो जाएंगे ना ये देख nitrogen laser produce a radiation of this much if the number of photon emitted is this calculate the power क्या पूछ रहा भाई obviously ये per second आ गया ना photon emitted is this अब photon कितने दिए हैं 10 to the power 24 automatically अग्रिम आपका answer जो आएगा वो क्या होगा power तो अग्रिम थोड़े से homework देने हैं मेरे प्यारे से बच्चे एक ये homework देना है 2.47
अग्रिम आंसर दिए गए हैं बेटे, बट आई विश कि तुम लोग बगैर उसको करो, बगैर किसी देख के करे। देख अग्रिम क्या कहता है, इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डिस्टेंट स्टार आर वीक, इफ द फोटोन रिसीवर रिसीव टोटल ऑफ दिस फ्रॉम रेडिएशन ऑफ दिस कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। कौन सा रिलेशन यूज करेगा अग्रिम? E is equal to nhc by lambda. E is equal to nhc by lambda. Very good, my son. Baki log bhi please contribute karo. Right. Lifetime of the molecules are often measured by using pulse radiation nanorange. Sirf yahan pe hume chahiye. If the radiation source has a duration of 2 nanosecond. Wait. इसका मतलब वो क्या दे रहा है, टी कितना दे रहा है, 2 नैनो सेकंड, 2 इनटू 10 टू द पावर 9 सेकंड्स, माइनस 9, यस सर, एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इज दिस मच एन, 2.5 इनटू 10, कैलकुलेट एनर्जी, तो कौन सा रिलेशन यूज कर रहा है, ई इज इक्वल टू एनएचसी, एनएचसी दिस, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सिर्फ 1 बाय t, अरे वाह, दिस इज फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिख दिया बच्चों, 1 बाय t, 1 बाय t, तो बेटे क्या मैं होमवर्क दे सकता हूं, यस यस सर, यू नो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल दिस क्वेश्चन, जब समय आएगा ना तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, ये इक्वल टू का साइन था, ठीक, तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर हम आपको ऐसा बोले कि आपको हम सिर्फ क्या करवाए हैं, देर आर टू थ्योरीज अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी और लाइट। सुनो बेटे, अभी कहानी शुरू हुई है, आमोदनी कहानी का एंड नहीं हुआ बेटे, राइट आमोदनी, यस गुड़िया, एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एज अ केमिस्ट मैं इस थ्योरी को कभी देखूंगा ही नहीं, एज अ केमिस्ट राइट आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स एमपीक्यूटी, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये जो थ्योरी होगी ना इसको तुम जाके प्लस टू में या कहीं पे आपके पास एक ऑप्टिक्स आएगा तब आप इसकी बात करेंगे, जब आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये करेंगे, मैं तो आगे की तरफ एटम की तरफ मोर ले जाऊंगा, मैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसकी तरफ आ जाऊंगा। आमोदिनी, हेयर गुड़िया, एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड डिसकंटीन्यूअसली, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड बेटे डिसकंटीन्यूअसली, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड कंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन वैल्यू ऑफ एच टू एनीवन, एंड एनर्जी इज गोइंग टू बी डियर द एन एच न्यू where n has to be the whole number. Or suno, this figure is not to be shown to your school teacher that this is the person standing. This was just to make you understand. Samar aaya gude electromagnetic waves continues aa rahi hai. Ye jo aapki Max Planck hai wo keh raha hai bombardment ho rahi hai. Aur together Einstein ji Max Planck ko pakdenge aur uda denge dhajiya bilkul jo purana model tha. और फिर अभी आइंस्टाइन से पहले मिस्टर बोहर आने वाले हैं, बोहर सर एक्सप्लेन करेंगे द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये गुड़िया अभी मैंने आपसे कॉन्सेप्ट यूज नहीं कराया है एनर्जी ऑफ फोटोन, तो इट इज गोइंग टू बी, ये पता क्या रिलेशन यूज कर रहा हूं, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने अभी कराया नहीं है तो इसको बिल्कुल याद मत करना, द मोमेंट इट इज गोइंग टू बी यूज्ड सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो इसको यूज करूंगा, प्लीज याद मत करना, याद करने से नुकसान होगा, एंड ओके सर, यू शुड डू ऑल दीज न्यूमेरिकल्स व्हिच हैव बीन टॉट टू यू। नेक्स्ट क्लास में एक महान आत्मा आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं, नील बोहर मॉडल आने वाला है, तो हम शुरू करेंगे दोबारा फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड से, और जो कुछ भी आपको बैकग्राउंड बताया गया था उससे हम बोहर थ्योरी पे जाएंगे, इट विल बी अ वंडरफुल थ्योरी एंड यू विल इमीडिएटली सी
क्वांटम जंप, और हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, बैकेट, टी फंड, हम्फ्री। बट कौन एक्सप्लेन करेगा? द नील बोहर इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट। तो दैट विल बी द एजेंडा ऑफ नेक्स्ट क्लासेस। फिर हम बोहर्स के फेलियर में चले जाएंगे, बोहर्स को भी फेल किया जाएगा, और तब आएंगे हमारा एक नया मॉडल दैट इज गोइंग टू बी नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और हम ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम केमिस्ट हैं, हमने इनके साथ खेलना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ हमने खेलना है, और इस खेलने से हमने नई नई चीजें क्रिएट करनी है। Directly taking you to the laboratory, हम पहले पीछे काम कर रहे हैं। How does hydrogen behave? How does sodium behave? Scandium ऐसे क्यों behave करता है? तो I'm just moving in a different way as compared to whatever way you have seen till now. Welcome into the atomic structure. So we are now into formally एक depth में जा रहे हैं। So I hope everybody understand that why we started from this. अभी बोहर सर एक्सप्लेन करेंगे ये लाइन आती कहां से। ठीक बच्चों? यस सर। सो वी स्टॉप हियर, यू नो द होमवर्क, इमेजिनेशन एंड द थ्योरी पार्ट शुड गो ऑन साइमल्टेनियसली। सर एक डाउट है। पूछ बेटिया। सर हम स्पीड ऑफ लाइट को 3.0 इनटू 10 रेज टू पावर 8, 3.0 का क्या यहां पे सिग्निफिकेंस है? 300,000 असल में। तो बेटा मैं ज्यादा अच्छा नहीं बता पाऊंगा, तो ये तो हमें टू बी प्रॉपर किसी फिजिसिस्ट से, उसने मेजर किया होगा ना, तो इट मे बी 3.001 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका मतलब होगा लाइट एक सेकंड में कितने किलोमीटर भाग लेती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भाग लेती है। ओके सर। तो दैट इज इसकी स्पीड है। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है एंड आई थिंक दिस इज प्रीटी वेल, क्योंकि जैसे हमने जूल को 6.625 लिया था, मोल को 6.02 लिया था, सो दैट विल बी प्रीटी वेल 3.0 ही होगा। प्लीज इसको कॉपी मत करना। ठीक? ओके सर। क्या मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दे पाया? यस सर। पक्का? हां जी हां जी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बिटिया मेरे को जरूरत ही नहीं कभी पड़ी, तो मुझे 3.0 ही यूज हुई है, तो दैट इज वेरी मच क्लियर कि ऐसा ही होगा। ओके सर। चलो बेटी, गुड लक एंड सी यू अगेन। वी कंटिन्यू फ्रॉम बोहर्स थ्योरी इन द नेक्स्ट सेशन। इट विल बी अ चैलेंजिंग सेशन नाउ, यू विल फील द डिफरेंस दैट यू हैव कम टू द हायर क्लासेस। गुड, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye-bye. The class is...